54। तो एक तो सोच ये है कि विश्व भूगोल का मतलब, विश्व भूगोल का मतलब महाद्वीप, और महाद्वीपों पे सारे के सारे जितने भी देश हैं उनकी राजधानी। एक सोच ये है, ये सोच ज्योग्राफी की पुरानी सोच है, ठीक है, ये ज्योग्राफी की पुरानी सोच है। ज्योग्राफी को जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी को कहा जाता है, इसको कहा जाता है लॉन्ग ऑन फैक्ट्स, लॉन्ग ऑन फैक्ट्स, शॉर्ट ऑन थ्योरी। ये तो अंग्रेजी में कहा जाता है। ज्योग्राफी की काफी बुराई होती है इस चीज के लिए, और आपने भी स्कूलों में ये अनुभव किया होगा, आपने भी स्कूलों में अनुभव किया होगा कि स्कूलों में जो भूगोल पढ़ाया गया उसमें कहीं ना कहीं पर तथ्य ज्यादा थे, तथ्य आंकड़े, लॉन्ग ऑन फैक्ट्स, तथ्य ज्यादा है, लेकिन सिद्धांत, सिद्धांत कॉन्सेप्ट कम है। इसलिए भूगोल स्कूली स्तर पर, स्कूली स्तर पर भूगोल ऐसा लगता था कि यहां तो पर्वतों के नाम, चट्टानों के नाम, नदियों के नाम, नालों के नाम, देशों के नाम, राजधानियों के नाम। अब ये हमारे डीएनए में चला गया है। कहाँ चला गया? हमारे डीएनए में चला गया। डीएनए क्या होता है? हमारे जो सेल्स होते हैं, बॉडी के सेल्स, जो सारी की सारी सोच है, सारा ब्लूप्रिंट वहां पर है। अब हमें पता है यही करना है, और अगर ये ना करेंगे तो हमें थोड़ा खाली खाली लगेगा। तो ऐसा लग रहा है कि उत्तर अमेरिका के, उत्तर अमेरिका के 29 देश जो हैं सर, इन देशों की राजधानी अगर कर ले तो क्या विश्व भूगोल तैयार है? तो भाई विश्व भूगोल तैयार है, निश्चित रूप से तैयार है, बट यूपीएससी के लिए नहीं, यूपीएससी के लिए नहीं। और ये क्या है? ये केवल रटने वाली एक सोच है जिससे भूगोल लड़ रहा है, भूगोल लड़ रहा है। ये भूगोल आत्मालोचना जब करता है, जब भूगोल आत्मालोचना करता है तो भूगोल पाता है कि यार हम आलोचना लायक विषय है, कि हमें ऐसे ही देखा गया कि 29 देश और उनकी राजधानी, 29 देश और उनकी राजधानी। अच्छा, और एक और चीज बता दूं, एक और चीज बता दूं, अगर आप समझदार हैं तो 29 देश में मामला फंसाना ही क्यों है? इसमें यहां पर हमने देखा ये 7 देश कर लीजिए, और यहां पे देखा ये 3 देश कर लीजिए, और यहां पे जो लैंडलॉक्ड है 2 कर लीजिए। भाई हम तो परीक्षा से जुड़ी हुई चीज करें तो ज्यादा बेहतर होगा कि नहीं होगा? अच्छा, 29 देश हो गए, 29 के, इन 29 की सजा और कष्ट आप लेना चाहते हैं। और अब मैं दूसरा कष्ट, एक है कष्ट, 2 दूंगा आपको, कितने? 54 देश, 54 देश, ठीक है। फिर मैं आपसे क्या कहूंगा? बच्चों आओ, अफ्रीका के देश और राजधानी याद करते हैं, फिर आप और मैं देश और राजधानी याद करेंगे, ठीक है, याद करेंगे। जब तक आप याद नहीं करेंगे, जब तक आप याद नहीं करेंगे, मैं आपको कहता रहूंगा याद करो, याद करो, याद करो, फिर आप किसी तरह से याद कर लोगे, फिर किसी तरह से मजबूरी में गुरुजी ने कहा है कर लेते हैं। फिर मैं आपको उत्साहित करूंगा, आंदोलित करूंगा, मैं कहूंगा आईएएस बनना है तो कर लो बच्चों मेरे लिए, तो आप कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे आप। 29 याद कर लेंगे, 54 याद कर लेंगे। अब ये बताइए मुझे, ये बताइए, इस सब को याद करना, ये भी तो आपकी मेमोरी की स्पेस लेगा या नहीं लेगा? बच्चों बता दीजिए, मेमोरी लेगा। फिर उसके बाद क्या है? राज व्यवस्था, पॉलिटी के आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के, वो फंसेंगे। इतिहास भी फंसेगा, इतिहास भी फंसेगा, और अर्थव्यवस्था के आंकड़े भी फंसेंगे। और फिर हर बच्चे के साथ जो होता है कि सर ये तो इतनी सारी सामग्री है, अब मैं पढ़ाई कैसे करूं, अब मुझे डर लग रहा है, और प्रारंभिक परीक्षा से पहले हम उन्हें छोड़ देंगे, हम उन्हें छोड़ देंगे। तो बच्चों ये बताइए, इसका क्या उद्देश्य होगा ये करने का? आपका समय कीमती है, आप ये समय देना चाहते हैं, और मैं आपको किसी तरह से, किसी तरह से कसमें देकर, वादे देकर, आंदोलित करके, उत्साहित करके रटवा तो दूंगा, और आपको मजा भी आएगा। मजा आता है, 2 पैग लगाने के बाद मजा आता है, इनमें बहुत मजा आएगा, मजा तो आ जाएगा, लेकिन वो मजा उड़ेगा। कब उड़ेगा? बहुत जल्दी उड़ जाता है। कुछ का 6 दिन में उड़ेगा, कुछ का 10 दिन में उड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, आपकी हार्ड डिस्क में स्पेस तो उतनी है ना, सीमित है, उसमें इतिहास भी घुसाना है, इकोनॉमी भी घुसाना है, पॉलिटी भी घुसाना है। और सबसे मजेदार बात, मैंने कहा ना मैं मनोविज्ञान का भी शिक्षक हूं, हमारा मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क एक बार में 7 वस्तु ही याद कर सकता है। ऐसी कोडिंग है, 7 चीजें हमें याद होती। कितने हैं? 29 देश, 54 देश। क्या करेंगे, क्या करेंगे? ये तो हमारी मेमोरी के रूल हैं, मेमोरी के रूल हैं कि चीजों में साथ ही याद होते हैं।
तो क्या करते हैं भारत में, माँ माँ बाप जोर देकर बच्चों को कहते हैं रटो रटो रटो, अगर ऐसे नहीं रट रहे तो कहानी सुना के रटो, गाना गा के रटो, नहीं तो जूता से रटो, चप्पल से रटो, किसी तरह रटो, रटो तो हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं जो हमारी ब्रेन की जो साइंस है उसके विरुद्ध जा रहे हैं, उसके विरुद्ध जा रहे हैं। सात वस्तु ले सकता है, सात के ऊपर जो आएगा ना पिछला इरेज होता जाएगा। तो पहले आपने क्या किया, किसी तरह भूगोल चढ़ा लिया, भूगोल चढ़ा लिया, भूगोल में बहुत मजा आया, सर आपकी क्लास बहुत लाजवाब चल रही, सर मुझे बहुत मजा आया, मैंने भूगोल चढ़ा लिया। लेकिन फिर इतिहास भी तो है, फिर राज व्यवस्था भी तो है, फिर अर्थव्यवस्था भी तो है, विज्ञान भी तो है, फिर क्या होगा, लड़ाई होगी। अब एक बात बताइए, मैं आपसे आप ही के विषयों की लड़ाई करवा दूंगी, तो मेरे स्कूलों में भी हुआ था, फिर मैं चयन करता था, फिर मैं चयन करता था, चलो यार इतना पढ़ के जाता हूँ इतना छोड़ के जाता हूँ। ये परीक्षा एक कॉम्पिटिशन है ना, तो कंपटीशन में तो लड़ाई भी है। तो समझदारी क्या है, समझदारी क्या है कि 54 देशों को कैसे किया जाए, 29 देशों को कैसे किया जाए, बहुत आसान सी बात है, बहुत ही आसान सी बात है। समझदारी क्या है, मेरा दिमाग क्या समझता है, कितने खंड समझता है एक बार में बच्चों, मेरा दिमाग कितने खंड समझता है एक बार में, 7 खंड समझता है। तो मैं जब पढ़ाता हूं आप लोगों को, मैं कहता हूं अफ्रीका एक अफ्रीका दो, अफ्रीका एक अफ्रीका दो हमेशा याद रहेगा, इसको क्या कहते हैं, सहारा अफ्रीका, अफ्रीका एक अफ्रीका दो, ये सहारा, यहाँ सहारा मरुस्थल है, सहारन अफ्रीका, और इसको क्या कहेंगे, बेसहारा। बिल्कुल मत लिख देना वहां पे बेसहारा, बेसहारा मैं मजाक के लिए कह रहा था, इसे कहा जाता है सब सहारा, उप सहारा, ठीक है, सहारा के नीचे के देश सब सहारा कहलाते हैं, होने को तो वैसे सारे ही बेसहारा है। तो मैंने 7 का क्या किया, 2 में किया, अब ये सबको याद रहेगा, बहुत आसान है सर, ये तो बहुत आसान हो गया, पहली चीज सर। लेकिन सर अभी भी डिटेल नहीं है तो गलत बात है सर, इससे परीक्षा तो नहीं सॉल्व होती, और कर देते हैं, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, ईस्टर्न, सेंट्रल, सदर्न, अब कितने खंडों में किया, 1 2 3 4 5 में, अचानक उसे तोड़ दिया हमने, वर्गीकृत कर दिया, हाँ सर 5 में तो ठीक लग रहा है, लेकिन सर इन्हें याद तो करना पड़ेगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। तो ये जो है मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया है, मैट कहते हैं इन्हें, मैट देश कहते हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, इन्हें फारसी भाषा में मगरिब भी कहा जाता है, मगरिब के देश, मगरिब मतलब वेस्ट के देश, वेस्ट के देश, तो मैट हमेशा याद रहेगा, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया। फिर मैंने क्या किया, एक खंड बना दिया, मैंने एक खंड बना दिया। जो बच्चे यहाँ पे दिल्ली में मुखर्जी नगर में पढ़ने आते हैं अक्सर बस के पीछे, बसों के पीछे, दिल्ली में जो मुखर्जी नगर में बसें होती है ना उनमें लिखा रहता है GTBN, GTBN, तो ये क्या है, गुरु तेग बहादुर नगर टर्मिनस, तो ये बस अड्डा है, इसका नाम है गुरु तेग बहादुर नगर। मैं आपको बता दूं यहाँ पे घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, हो गया GTBN, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, बन गया खंड, हमेशा के लिए याद हो गया। हमारा दिमाग यही चीजें पसंद करता है, हमारा दिमाग टुकड़े पसंद करता है, 7 टुकड़े से ज्यादा डालूंगा तो 8वां मिस हो जाएगा, मुझे डालना ही नहीं, मैं तो पश्चिम की बात कर रहा हूं, मेरे लिए मगरिब देश है ये है। अगर आपने 2022 का, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने 2022 की परीक्षा दी है, उन्होंने पूछा ये लेवांट क्या है, लेवांट क्षेत्र क्या है, कहाँ है, तो ये यूरोप का जो ये क्षेत्र है ना यहाँ पे इधर ग्रीस के आसपास, इसे लेवांट कहते हैं, जैसे इसको मगरिब कहते हैं, इतना सा है ये, समझ में आ गया, ठीक है। तो बात यह है कि हम समझदार बनेंगे या रटेंगे। देखिए एक बार को बड़ा जोश आएगा कि मैंने 29 रट लिए, मैंने 54 रट लिए, एक क्रमबद्ध तरीके से रट लिए, पर बात यह है कि क्या मैं उनका उपयोग कर पाऊंगा, और क्या ये मैट आजीवन नहीं जुड़ जाएगा, आसान है छोटा, गुरु तेग बहादुर नगर जैसे ही आता है तो घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, ठीक है। अच्छा अफ्रीका में बहुत से लोगों को, अफ्रीकी मूल के लोगों को पकड़ा गया, पकड़ के अमेरिका ले गए, उनको कहा जाता है दास, अश्वेत लोगों को दास बना के ले गए। अब जब दासों का काल खत्म हुआ, मतलब दासत्व खत्म कर दिया, अमेरिका को लगा ये डेमोक्रेटिक नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, दास बैन कर दिया, अब हम स्लेवरी नहीं करेंगे, स्लेवरी खत्म कर दी। तो उनसे पूछा, भैया वापस जाना जाओ, आप अश्वेत लोग, हम अफ्रीका से आपको उठा के ले आए थे, और अगर आज आपको आजाद कर रहे हैं तो आपके पास पूरा आजादी है कि आप जो है यहां पर आ जाइए, कहां पर,
अमेरिका में रुक जाइए, नहीं तो अफ्रीका वापस लौट जाइए। तो अधिकांश लोगों ने कहा हम तो बहुत पीढ़ियों पहले उठा लिए गए थे वहां से, अब हम कहां जाएं, हमारे तो कोई घर नहीं है। अमेरिका ने कहा चिंता ना करो, हम तुम्हारे लिए देशी बना देते हैं, इस देश का नाम है लाइबेरिया। लाइबेरिया, लाइबेरिया कहां से आता है शब्द, देखिए शब्द की उत्पत्ति लिबर्टी। लिबरेशन के बाद जब काले दासों को लिबरेट किया गया, एक देश बनाया लाइबेरिया। लाइबेरिया के नीचे ही दूसरा देश है सियरा लियोन। सियरा लियोन, सियरा लियोन, और सियरा लियोन की राजधानी का नाम है फ्री टाउन। आशा है आपको एक कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गया, लाइबेरिया और फ्री टाउन। अगर हम ऐसे वर्गीकृत कर दें, अगर हम चीजों को वर्गीकृत कर दें, हमारा दिमाग नहीं भूलेगा। अगर हम चीजों को रटना शुरू करें कि हमें 54 रटने हैं तो दिक्कत है। मगरिब के देश है, मगरिब ही रहेंगे, मैट ही कहा जाता है, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिश। तो ये अगर हम सोच विकसित करेंगे तो मेरा आपसे आग्रह है कि किसी भी प्रकार के इस प्रकार के उसमें ना फंसे जिनमें आपकी जो 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 मेमोरी है वो ओवरलोड होती हो और परीक्षा से आपको हटाती हो। कुछ परीक्षाओं में निश्चित रूप से, कुछ परीक्षाओं में निश्चित रूप से क्या आते हैं, राजधानी देश, राजधानी देश। ऐसी परीक्षाएं छोटी लेवल समझ में आती है। सर GTBN कंट्री रिपीट कर दीजिए। अब देखिए कितनी हास्यास्पद बात है, सर GTBN कंट्री रिपीट कर दीजिए। आज अफ्रीका की क्लास है, हमने कहा था अफ्रीका पढ़ के आ जाना, तो वहीं पे नहीं लिखा होगा मानचित्र पर। आप सोचिए कितने असहाय लोग हैं हम, कितने असहाय हैं। आप सोचिए इनको क्या GTBN समझ में आया होगा, गुरु तेग बहादुर नगर, या इनको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ये किस मिट्टी के बने हैं, सर रटवाए दो बहुत बढ़िया रहता है। तो मैं क्यों किसी से लड़ाई करूं, क्यों किसी से लड़ाई करूं, रट लीजिएगा। देखिए आपको दर्द है, आपने सुना है नो पेन नो गेन, ऐसा सुना है कि नहीं सुना है, नो पेन नो गेन। मेरा इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं, मैं पढ़ाता हूं, बहुत मन से पढ़ाता हूं और बहुत खुशी से पढ़ाता हूं, और इससे मुझे बहुत लाभ होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा जीवन बहुत संतुष्टि होती है, मेरे छात्र बहुत अच्छे रिजल्ट लाते हैं, जो मैं कर रहा हूं मुझे बहुत अच्छी एक योगदान की भावना होती है। तो मेरा विश्वास नहीं है नो पेन नो गेन, समझ में। अभी लोगों का क्या, जल्दी से नोट्स छाप लूं, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको बता रहा था। एक प्रश्न आया था कि सर हम 29 रट ले, रट लीजिए। और नो पेन नो गेन वालों के लिए मेरे पास एक और आइडिया है। अगर आपको यही लगता है कि यार बिना दर्द के तो कुछ होगा नहीं, तो एक काम करिए, आपकी कुर्सी होगी ना, ये आपके घर में आपकी कुर्सी होगी है ना, जिस पे आप पढ़ते हैं, इस पे ना एक कील लगवा लीजिए, बड़ा सा कील, बैठिए पढ़िए। जब दर्द लेना ही है तो पूरा लीजिए ना, बैठिए, आह अब हो गया, ये अब हो गया, चलो अब एकदम एकदम लाओ यार, 54 रटने या 100 रटने, मैं 120 रटूंगा, ये कील लगवा लेना, ठीक है, नो पेन नो गेन। पर जो लोग बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहते हैं, स्मार्ट लर्निंग, वो छोड़ो यार, इसको अभी करेंगे, है कि नहीं। एक कील वाला कुर्सी लगवा लीजिए किसी को लगवाना हो तो, नो पेन नो गेन लॉजिक वाले। मेरा आपको निमंत्रण है, मेरा आपको निमंत्रण है, आनंद लीजिए। इस इसमें अनोखे तरीके हैं, उन बेहतर तरीकों से ज्यादा चीजें समझ आएंगी और ज्यादा आपके पास रुकेंगी, ये मेरी गारंटी। बाकी कील तो आपके पास होगा ही, लगा लीजिए। तो जो लोग अचानक चिंता में, भाई इतने नोट्स हो गए मैं लिख नहीं पाया, कराऊंगा कराऊंगा, जान मत दिया करो। ऐसा होता है ना, गुरुजी ने छींका, लिख लिख, गुरुजी ने छींक दिया, छींक भी इकट्ठी कर लो, मत करो, छींकने से सिर्फ नजला है और कुछ नहीं है। चले वापस आ जाए, आज अफ्रीका की बात है, शुरू करते हैं इससे। अफ्रीका को कहा जाता है डार्क कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप, अंध महाद्वीप। सोचना है, सोचना है, मेरी क्लास में मैंने आप सबसे कहा पहले सोचना है उसके बाद जानकारी। एक होता है जानकारी लेकर, ऐसा भी लोग, आप बताइए आपने स्कूलों में ऐसा किया कि नहीं, मास्टर ने बहुत सारी जानकारी दी, मास्टरनी ने बहुत सारी जानकारी दी, आपको कुछ समझ नहीं आया, लेकिन परीक्षा से एक रात पहले सोचा, अच्छा इसको ऐसे कर लो ऐसे कर लो, और फिर समझ आया। मेरी क्लास में हम पहले सोचेंगे उसके बाद डाल लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, आप सबके पास एक मिनट है, सोचिए अफ्रीका को अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है। देखो सतपति सम्राट ने भाई साहब सारी लिस्ट लगा दी, सोचो इसे टाइप करने में कितनी मेहनत लगी होगी। सतपति सम्राट,
ऐसे सम्राट हो? सम्राट तो वैसे भी टाइपिंग नहीं करते, तुम तो यार टाइपिस्ट निकले। तो पीछे सम्राट हटाओ, टाइपिस्ट लगाओ ना, ऐसे गलत सम्राट वम्राट लगा। सम्राट का काम होता है रणनीति तैयार करना, अपने देश को साम्राज्य को बढ़ाना। तुम तो टाइप कर रहे हो बे। जल्दी से, क्यों अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है? देशों की सूची रटने वालों से पूछा गया कि क्यों अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा गया। तेरे यहाँ गर्मी ज्यादा है? अरे गर्मी ज्यादा हो गई तो अंध महाद्वीप हो गया, ये बहुत सुंदर है सर। विकास धीमा है, नो डेवलपमेंट, सब पिछड़ापन है यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है, देश बंधु होने के कारण। वाह बहुत सुंदर। तो कोल की खान है यहाँ पर, कोल की खान पता नहीं कहाँ से लेकर आई है ये कोल की खान, जबकि अफ्रीका में कोल का अभाव है। कोयला इतना सुंदर सर, सूर्य की रेखाएं इस पे लंबत पड़ती हैं। किसने कहा अफ्रीका पर सूर्य की रेखाएं लंबत पड़ती? अफ्रीका पर भी बढ़िया था, बढ़िया बढ़िया आइडिया यार तुम्हारे पास, हिला डालते हो तुम एकदम। सूर्य की रेखाएं लंबत, सूर्य ने कर दिया इनको काला, कोयले ने कर दिया इनको काला, गर्मी ने कर दिया इनको काला। बहुत अच्छी बात है सर, यहां मरुस्थल है इसलिए हो गया, ये भी बहुत सही है। ये प्रश्न आया है, प्रश्न आया विगत वर्षों में कि क्यों इसे वो कहा जाता है सर। विषुवत रेखा यहां से निकलती है, ये सब वो लोग हैं, मैं विश्वास से कह सकता हूं इन्हें रटे हुए देश। हैरानी की बात आप देखिएगा, इनको देश रटे हुए हैं, लेकिन जैसे ही सिद्धांत आता है तो वो कील सिर्फ आह निकालता है। सर ये ना ब्लैक है इसलिए, ब्लैक है ए? सर इनका ब्लैक कलर है सर, ब्लैक कलर है। बताओ आपने देशों के देश और राजधानी तो रट लिए यार, सवाल में एकदम से डब्बा गोल हो रहा है। ब्लैक पीपल हैं सर ये, इसलिए हैं। पूछ रहे हैं क्यों अंध महाद्वीप काला, अंधेरा डार्क कॉन्टिनेंट, तो बोले सर लोग काले हो गए। सर यहां विकास नहीं, बिल्कुल सही सर, यहां विकास की बिल्कुल अच्छी बात है, विकास भी है। अरे उष्णकटिबंधीय है और यहां लोग काले, लोग काले हैं भाई, लोग काले हैं, बताइए काले लोग हैं सर, काले लोग। चलिए अब इससे ज्यादा नहीं ले पाऊंगा, लोग काले। कभी कभी मुझे लगता है कि लोग ऐसी नस्लीय टिप्पणी करते हैं, व्हाइट मैन्स बर्डन, ये गोरे लोग हमसे भेदभाव करते थे, गोरे लोग हमसे भेदभाव करते थे, तो हमें बहुत बुरा लगता है कि गोरे लोगों ने हम लोगों से भेदभाव किया। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, हम भारतीय लोग वर्णों में अभी भी काले रंग को नीचा देखते, हम भारतीय लोग अफ्रीकियों से भेदभाव करते हैं। जो गोरे ने किया आप में भी वो है, आप में भी पूर्ण रूप से व्याप्त है, इसे छुपाइएगा नहीं, ये हकीकत है। और आज भी वो फेयर एंड लवली क्रीम इसीलिए बिकती है, या अब तो उसका नाम भी बदल दिया गया है, कि कहीं पर गोरेपन को एक आधार माना गया। और मैं बता देना चाहता हूँ केवल लड़कियों के लिए नहीं, लड़के भी गोरे की ही चाहत रखते, वो भी गोरे दिखना चाहते। इसलिए जैसे ही सुना डार्क कॉन्टिनेंट, सर यहाँ के लोग काले हैं इसलिए, तो इससे ज्यादा बेवकूफी की बात नहीं हो सकती, बट फिर भी करते हैं। अब एक बात बताइए, इतने महान लोगों ने मुझे इतने सुंदर सुंदर उत्तर दिए, और ये वो लोग हैं जिनको
अगर कहा जाए तो अभी तोते की तरह सारे देश बता सकते हैं, तोते की तरह सारे देश बताएंगे। आप बताइए, ये है विषुवत रेखा, सभी लोग ये विषुवत रेखा, इससे ऊपर ले लीजिए 5 डिग्री, उससे नीचे ले लीजिए 5 डिग्री, भाई यही तो पेटी है। क्या ये पूरा अफ्रीका है? तो जिन्होंने विषुवत कहा, जिन्होंने विषुवत कहा और जिन्होंने विषुवत सोचा, कुछ तो सोचो भाई। पता चला सिर्फ रटने से नहीं होता। एक ने कहा सर मरुस्थल है, बिल्कुल मरुस्थल है, यही तो मरुस्थल है बेटा, यहां मरुस्थल है और यहां मरुस्थल है, इतने से में मरुस्थल है, पूरा अफ्रीका का परिचय हो गया। अफ्रीका के लोग काले हैं सर, इसलिए काला महाद्वीप, अफ्रीका के लोग काले इसलिए काला महाद्वीप, ये बहुत सुंदर बताया। सर यहाँ गर्मी पड़ती है, गर्मी भारत में पड़ती है, मैं आपको यहाँ पे भारत बना देता हूँ, ये 30 डिग्री है ना बच्चों, आपके मास्टर को तो बनाना आता है ना, तो टेंशन क्या है। इस अक्षांश में भारत भी आता है, और बताओ क्या पूरा भारत काला है? मजाक कर दिया यार, मजाक कर दिया और बेइज्जती भी करवा दी एक सोच की, जो हम लोग कहते हैं कि गोरे हमसे करते थे, हमने भी अपनी बेइज्जती करवा ली भाई, हम भी कालों को सिर्फ ऐसा ही कहते हैं। अफ्रीकी मूल के लोग जब भारत में आते हैं पढ़ने के लिए आते हैं, हमारे पास उनके लिए चुनिंदा शब्द होते हैं, कई तरह के लोगों पर कई तरह के आक्षेप भी लगाए जाते हैं, सब वही है, सब वही, जिसके पास सत्ता आएगी वो चौड़े में जाएगा, गोरों ने किया अब हम कर रहे हैं, बोला काला हो गया। सर कोयला है, कोयला है, एक बात बताइए क्या झारखंड काला राज्य है? झारखंड में कोयला है, क्या बात कर रहे हो। और सच कहूं भारत में जो उत्तर और दक्षिण का भेद है, इसमें भी कहीं ना कहीं रंग की सोच है, मैं बता रहा हूं आपको, रंग की सोच से बदलिए, बाहर आइए, इस सोच को भी ना खोल पाएंगे तो काहे के आइएस। एक बोला सर जंगल बहुत है, सर बहुत जंगल है, ओह माय गॉड, जंगली जंगल, कहाँ है वे जंगल? रेगिस्तान में जंगल होता है, यहां जंगल होता है, इस हिस्से में जंगल है। तो कैसे पढ़ी आपने भूगोल, अफ्रीका का भूगोल स्कूल में पढ़ा और फिल्मों में देखा, काले रंग के बड़े बड़े शरीर वाले लोग, खतरनाक लोग, दानव लोग, ये अफ्रीकी होते हैं, अफ्रीका में तो जंगल होते हैं और अगर आपको सांप काट ले तो मर जाओगे। इसी कारण मित्रों अफ्रीका अंध महाद्वीप, इसी अज्ञानता के कारण, इसी अज्ञानता के कारण अफ्रीका अंध महाद्वीप, अफ्रीका अपनी गरीबी के लिए अंध महाद्वीप है, अफ्रीका को कोई देखना नहीं चाहता, सिर्फ इसी कारण से अफ्रीका अंध महाद्वीप है। कोई बोल रहा है वहां पे जंगल है, देखे हो कभी, देखे हो कुछ? सर देखे तो है नहीं सर, रटे थे सर, बहुत मजा आता सर रटने में, एक बार रट के जो शाम को सोते हैं ना सर, बहुत सही रहता है। कितने दिन तक रहती है वो? तो 2-4 दिन तो एक बोतल का असर रहता है, फिर सर एक अद्धा और लगा लेते, कभी कभी रिवीजन कहते हैं हम उसको, रिवीजन में एक और अद्धा और पौवा लगाते, फिर भी बहुत मजा आता है। अफ्रीका की बात कर रहे हैं, 54 देश रटे हो कि नहीं रटे हो? रट लिए हैं सर, चलिए अब करें। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ यानी 1901 से 1999, ठीक है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इसकी आंतरिक भागों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं थी, इसके बारे में ज्यादा जानकारी ही नहीं थी, इसलिए डार्क था। डार्क का मतलब अभी इसके अंदर हमें बहुत कुछ पता नहीं, क्यों पता नहीं वो भी बात करेंगे। उस समय के यूरोप भूमध्य सागर के देशों के अतिरिक्त अफ्रीका को ज्यादा जानते नहीं थे, ज्यादा जानते ही नहीं थे, यहां तक कि उनकी दंत कथाएं और लिपि वो भी विकसित नहीं थी, तो हम तक जानकारी थी नहीं। तो आप लोगों के पास अफ्रीका कहाँ से पहुंचा? बॉलीवुड ने पहुंचाया और कुछ शिक्षकों ने पहुंचाया स्कूलों में, या उससे पहले हमें शिक्षकों में बताया करते वहां जंगली जंगल है, वहां तो मरुस्थल है, मर जाएगा तू, ऐसे ही कुछ बातें होकर हो गई, और इस वजह से भूगोल ने अपना नाम बहुत खराब किया। तो आज इच्छुक हैं, आज इच्छुक हैं अफ्रीका को जानने के लिए, आज इच्छुक हैं सच में अफ्रीका को जानने के लिए, अफ्रीका को जानेंगे। और वो जो मेरा एक मित्र पूछता है सर इसके अक्षांश और देशांतर बता दो, लो जी 35 उत्तर और 35 दक्षिण अक्षांश, 20 पश्चिम और 51 पूर्व उत्तर, चलेगा खुशी? काला ह्यूमन ब्रिटिश देश बोलते थे, अच्छा और आप नहीं बोलते हैं? ये बोले गोरे उनको काला बोलते थे, हम नहीं बोलते हैं। अभी तो देखे सारा का सारा चैट, एक बार पीछे चल के देख लो, सबके दिल में काला के लिए पूरा का पूरा काला है, काला जैसे ही आता है तो हमारे दिमाग में आता है काला कहीं पर निम्न है, कैसे कैसे ये सोच है भाई,
आपको बताया काले में वर्ण में वैसे भी मिलेनिन है, बताइए। बट सोच सोच, एक ने कहा सर ये वेनेजुएला से विश्व सुंदरियां कैसे आती हैं, तो विषुवत रेखा के पास होगा। तो हमें यही समझ में आता है कि सुंदर क्या होगा। क्या आप जानते एक मिस अफ्रीका भी होती है? अफ्रीका में भी तो ब्यूटी पेजेंट होते हैं और वो खूब काली होती है, खूब सुंदर होती है। तो काले रंग में सुंदरता न देखने वाले लोग आज ये कह रहे हैं कि गोरे ये करके गए थे, आपके अंदर वो मलिनता है कालों के लिए, और ये गलत सोच है। इससे बाहर आइए, ये हमारी एक बायोलॉजिकल चीज है, और ये मैं कहना चाह रहा हूं, इससे हमसे नहीं लड़ना है, अफ्रीका को पूरी दुनिया से लड़ना है। और दिक्कत यह है वो बेचारा लड़ नहीं पाता है अफ्रीका, इसलिए वो अंध महाद्वीप है। आप लोग उसमें कोयला, काले से कोयला जोड़ दिया, जबकि अफ्रीका में कोयले का अभाव है। कोई बात नहीं, चलेगा। और मैं बताऊं, वो लैला मजनू जो आपने सुना है, लैला एकदम काली थी। लैला मजनू तो करते हो गए, लैला एकदम काली थी, फिर भी मोहब्बत तो थी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अफ्रीकी महाद्वीप में 54 देश हैं। 54 देशों में अभी भी बहुत सारी समस्याएं रहती, कौन सा देश आजाद है नहीं है। अभी पश्चिमी सहारा और सोमाली लैंड को संयुक्त राष्ट्र ने नहीं मान्यता दी है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और दूसरी सबसे बड़ी आबादी। तो मैं उत्तर देना चाहूंगा सभी लोगों को, इसको अंध महाद्वीप क्यों कहते, वाई डार्क कॉन्टिनेंट। ठीक है, डार्क कॉन्टिनेंट के कारक बताता हूं, लिख लीजिएगा, और लिखने में छापिएगा मत, बहुत से लोग हैं नोट छापू, और वो PDF वाले प्राणी जो है वो मत करिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, इस पर जोर दीजिएगा, कील पर नहीं। कील पर बैठे हो, कील को छोड़ दो, बिना कील, ये ज्यादा काम की चीज है। ठीक है, ये देखो सर, वेनेजुएला की विश्व सुंदरियों के कारण तो बता दीजिए, इस बेचारे को मुकुलमल को वेनेजुएला की विश्व सुंदरी के कारण चाहिए। इसको कुछ नहीं, ना तो ये देश रटेगा ना ये रटेगा, इसको क्लास में मनोरंजन चाहिए, और मनोरंजन के लिए इतना नहीं दिए हो कि मैं मनोरंजन करूं। ठीक है, एक बोला सर लैला कौन थी, है ना। तो इसके बहुत से कारण है। पहला तो मैं भौतिक कारणों पे आना चाहूंगा, इसको हम कहेंगे भौतिक कारण। जब उत्तर लिखा जाता है ना, जो छात्र इस परीक्षा को पास करते हैं उनके पास एक सोच है कि वो अपने एग्जामिनर को एंगेज करते हैं कि बहुत सारे बिंदु भी हैं और उत्तर में पूरे एक संपूर्णता भी है और मानवीय कारण भी। ठीक है, भौतिक कारण है कि इसकी खोज में भौतिक चुनौतियां रही, खोज में देरी। ऐसा क्यों हुआ? यूरोप ही तो खोज कर रहा था। अगर हम बात करें यूरोप, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये यूरोप है। यूरोप अपने उपनिवेश के लिए सब महाद्वीपों पर जा रहा है, और उसके नीचे अफ्रीका है। तो सबसे पहले अफ्रीका में घुसना चाहिए था कि नहीं घुसना चाहिए था, सोच के बताइए। सबसे पहले अफ्रीका में घुसेगा? नहीं घुसा। क्यों नहीं घुसा? एक प्राकृतिक बैरियर था। क्या था? यहां पर भूमध्य सागर से घुसने की कोशिश होती थी, लेकिन यहां तो मरुस्थल था, और सहारा को कहा जाता है रेत का समुन्दर, इसे पार कैसे कर, इसे पार ही नहीं कर पा रहे थे। उन्हें यह भी नहीं पता था इस भूमि में मरुस्थल कितना है, इतने सारे क्षेत्रफल में यह मरुस्थल फैला था कि ऐसा लगता था कभी खत्म नहीं होगा। तो उत्तर से घुस नहीं पाए। चलिए, उत्तर से नहीं घुस पाए, फिर क्या हुआ? समुद्री रास्ते से उन्होंने आने की कोशिश की। समुद्री रास्ते से आए और यहां से घुसे तो जिस मुंह घुसे थे उसी मुंह दौड़ के आ गए और बोले, भाई हमने वहां जो है बड़े बड़े शरीर वाली, बड़े लंबे बालों वाली, पूरे शरीर बालों से ढके हुए ऐसी महिलाएं देखी हमने, बिना कपड़े की निर्वस्त्र, पूरे शरीर बाल से भरे हुए ऐसी महिलाएं, बड़ी बड़ी दानवीय महिलाएं देखी और भाग के आ गए। क्या देखा था? गोरिल्ला देखा था।
चिंपैंजी देखा था, उससे पहले वहां पे वैसे जानवर नहीं होते थे। गोरिल्ला चिंपैंजी इनकी तरफ आया, इन्होंने कहा अभी ये क्या दानव आया। अब मुझे बता दीजिए, पुरानी हिंदी फिल्में देख लेंगे तो उसमें भी ऐसे ही बनाते थे कि नहीं भूत गोरिल्ला चिंपैंजी? यही सोच बन गई हमारी उनके बारे में। तो किसी ने कहा भैया ना जाओ उधर, पता नहीं कौन पकड़ के खा जाए। फिर एक और बहुत बढ़िया काम हुआ, एक और बहुत बढ़िया काम हुआ। ये लोग क्या करते थे, जैसे मैंने आपको बताया यूरोप की सारी नदियां, इनमें ना नदियों में नाव चल सकती है, नदियों में नाव चल सकती। तो जब भी ये उपनिवेश के लिए आते थे तो इनके पास तरीका क्या होता था, ये कहते थे नदियों में घुस जाओ, सबसे आसान है। नदी में घुसिए, नदी में क्या गारंटी है, पानी हमेशा रहेगा, पानी रहेगा तो पानी की कमी नहीं होगी। आप नई जगह पर आए, पानी होगा, तो क्या आप जानते हैं यहां पे कांगो नदी है, तो नदी में घुस जाइए, नदी में घुसिए, पानी होगा, पानी के साथ फल फूल होंगे तो खाना भी मिल जाएगा। और अक्सर सभ्यताएं कहां पर आती हैं, नदियों के पास। तो हमेशा हमेशा जब ये खोजों का दौर आया तो ये महाद्वीपों की नदियों में घुसा करते थे। अब यहां पे नदी में घुसे, समस्या। तो पहली चीज क्या आई, मरुस्थल ने नहीं जाने दिया, ठीक है। दूसरी, यहां पे रास्ते नहीं थे, मार्ग सरल नहीं थे, सहज नहीं थे, असहज थे, इसलिए नहीं कर पाए। तीसरे में इन्होंने कहा नदी में घुसते हैं, अब नदी में चुनौती हो गई। यहां की नदियां नौवहन योग्य नहीं है। फिर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि यहां की जो स्थल है वो बहुत उबड़ खाबड़ है। तो आप यूं समझिए, सभी लोग ध्यान दीजिए, कि अगर आपका स्थल ऐसा है तो नदी अगर बह रही है, आप बताइए नाव चलाने के लिए उपयुक्त है या नहीं है? नाव चलाने के लिए उपयुक्त है? बीच में जलप्रपात आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? थोड़ा सा आगे बढ़े, जलप्रपात आ गया, तो आप अपनी नाव में घुस तो गए, 2-4 किलोमीटर गए और देखा उसके बाद अरे भाई पहाड़ी आ गई, पहाड़ी आ गई तो क्या करें, उसके बाद क्या करेंगे, नाव से उतरना पड़ेगा, नीचे उतरे तो क्या है, बहुत सारी बीमारियां, मच्छर, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो यहां मच्छरों का बहुत प्रकोप था। और जो यूरोपीय मूल के लोग थे उन्हें मच्छर समझ नहीं आए। मच्छर से क्या बीमारी सुनी आपने, मलेरिया, मलेरिया सुना है? और यहीं पर एक मक्खी होती है जिसे कहते हैं से फ्लाई, से मक्खी, इससे क्या हो जाता है, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, उस मक्खी ने आपको काट लिया, आप सो जाओगे। तो बेचारा गोरा आया, किसी तरह से आ भी गया, उसकी नाव चल नहीं रही थी, नाव से उतरा, मक्खी काट रही, मच्छर काट रहा है, और अगर फिर भी बच गया तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं, मूल निवासी भी कोई खास खुश नहीं थे इनको रिसीव करके, उन्होंने भी इनका हुला हुला कर दिया, तो मूल निवासी भी हुला हुला निकले, सबका हुला हुला हो गया, सब खत्म। अब करो क्या करोगे, चुनौती। तो इस कारण 20वीं सदी तक, 20th century तक, इसके अंदर क्या है बहुत ज्यादा जानकारी नहीं बन पाई। समझ में आया? ये पहला कारण, भौतिक कारण, यहां पर खोज नहीं हो पाई। उफ, और चारों तरफ जल से घिरा हुआ है इसलिए अंध महाद्वीप। कौन बताएगा इसको कि भाई दक्षिण अमेरिका भी तो चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया भी तो चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। आप सोचिए तो सही क्या उत्तर दे रहे हैं। बेटा बुद्धि लगाओ, बुद्धि। ये एक नया कारण लेकर आए हैं, ये अचानक जागे हैं, प्रश्न पड़ा है, चारों तरफ पानी है ना सर, इसलिए अंध महाद्वीप हो गया। फिर तो सारे ही अंध हो जाएंगे बेटा, पानी ना हो गया क्या हो गया। और आप बताइए, तो कनेक्टेड है एशिया से, चारों तरफ पानी। तो पहला ये समझ में आ गया बिंदु, खोज में देरी हुई, खोज में देरी हुई, तो इसके बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है। नदी बता दिया, नदी के मुहाने में कोई रफ्तार में नहीं रहती। क्या लिखा है, नदी नौवहन योग्य नहीं थी, यहाँ की नदी नौवहनीय नहीं है, क्योंकि यहाँ की है। यहां से ध्यान दो, अब चैट मत दो, चैट पे बहुत ज्यादा ज्ञान दिखा रहे हो, छोड़ दो, अब ज्ञान की बात हो रही, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज यहाँ की जलवायु, यहां पे लिख दू, थोड़ी देर मानवीय हटा देता हूं, दूसरा बिंदु लिख दू, यहां की जलवायु समस्या है।
बहुत सारे मरुस्थल हैं, कुछ हिस्से में मरुस्थल है, कुछ हिस्से में विषुवत है, विषुवतीय क्षेत्र है, और कुछ हिस्सों में हम देखते हैं जलवायु, यहाँ वर्षा बहुत ज्यादा होती है, यहाँ कम होती है, यहाँ वर्षा बिल्कुल नहीं होती, यहाँ पे बहुत ज्यादा होती रहती है। और मैं कहूंगा जलवायु यहाँ की एक्सट्रीम्स पे है, अति है, हर चीज की अति है। जिसे कहते हैं ना सागर किनारे एक मॉडरेट वो है, वो भी नहीं था यहाँ, जलवायु भी एक समस्या रही। तीसरा, यहाँ की स्थल आकृति, कलाकृति अगर मैं देखूं तो less than 10% भूभाग मैदान है। क्या आप जानते कृषि कहां पर होती है? मैदान में। आवास कहां पर होंगे? मैदान में। उद्योग कहां लगेंगे? मैदान में। पूरे के पूरे महाद्वीप पर केवल 10% भूभाग ही मैदानी है, बाकी सब क्या है? पठार, पर्वत, ये सारी चीजें, उठी हुई भूमि। तो बहुत आसानी नहीं थी, स्थल आकृति बहुत अच्छी नहीं है, सहायक नहीं है, जलवायु यहाँ का सहायक नहीं है, खोज में बहुत सी देरियां हुई हैं, और बीमारी में तो मुझे लगता है कि ऊपर वाला भी सारी की सारी लैब टेस्टिंग अफ्रीका में ही करता है। एड्स भी यहीं आया, इबोला भी यहीं पर आया, मंकी वो पॉक्स भी चल रहा है, सारी बीमारियां एक एक करके यहाँ पर आती है। मेरे ख्याल से एक आदि है जो बाहर से आया, जैसे जीका दक्षिण अमेरिका में आया, कोरोना जो है ये कोविड कोविड जो है चाइना की तरफ से है, वरना ऊपर से भी जब बीमारी आती है तो यहाँ पर बहुत सारी बीमारियां भी यहाँ पर रहती है। ठीक है, और पांचवा, यहाँ पर दो अहम खनिज संसाधनों का अभाव है। दो अहम खनिज संसाधन क्या है? लौह अयस्क, लौह अयस्क का अभाव है, और कोयला। मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने छात्र जानते हैं, कि औद्योगिक क्रांति का आधार होता है ये। किसी भी जगह पर अगर औद्योगिक क्रांति होनी है तो औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आधार ये दोनों संसाधन होते हैं। सर मैंने सुना है कि यहाँ पर लोहा है, हीरे हैं, सब सुना है बच्चों, आपने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन क्या नहीं है? क्या नहीं है? तो बहुत अहम चीजों का अभाव है। सभी छात्र मुझे बताएंगे क्या मेरे उत्तर में काम के बिंदु हैं या नहीं है। देखो यार, अब मेरी अनपढ़ों से लड़ाई हो रही है, मैं क्या करूं? बच्चे पढ़ेंगे? अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इसके आंतरिक भागों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं थी। एक पप्पू क्या लिख रहा है? वो लिख रहा है कि सर अगर 20वीं शताब्दी तक नहीं पता चला तो गांधी जी कहाँ गए थे? पगला गए हो? पढ़े नहीं हो क्या? इसका वाक्य का अर्थ नहीं जान रहे हो? आंतरिक भाग, अंदर तक, अपूर्ण जानकारी का अभाव था। एक को चीज गांधी पढ़े हैं और उसी पे लपेट रहे मास्टर जी का। अभी लिख लो, छाप लो बेटा, मोक्ष कभी भी मिल सकता है। और कील पे से उठो, उठो कील पे से, कील पे उठो, गांधी जी वाला कील छोड़ दो। बोल रहा है ये जो है ये। और लक्ष्मी जी यहां पर देख रहे हैं तो ये क्या हुए? यहां पर पांच बिंदु हो गए। उत्तर में कुछ काम की चीज आई? आप लोग क्या कह रहे थे? सर रंग काला है, सर जंगल है, ठीक है, और एक बहुत मजे से, सर गांधी जी कहाँ थे अगर ये 20वीं तक नहीं मिला था? अबे सब मिला हुआ था, अंदर की खोज नहीं हुई थी चचा। जो भी लिखे हो चैट में पढ़ लेना कौन चंपक लिखा था। तुम चंपक पूछोगे मैं नंदन दूंगा बेटा, ये क्लियर है। हुला हुला मैं ही करूंगा, ऐसा सवाल अगर पूछोगे एकदम से अचानक बौद्धिक क्षमता दिखाते हो, सर फिर गांधी जी कहाँ गए थे? पता नहीं भाई, घर से तो यही बोल के जा रहे थे, अफ्रीका शफ्रीका जा रहे हैं, पता नहीं क्या आके बता दिए यार। मतलब जो सामान्य सी बात है उसमें भी कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। ये पांच बिंदु, ये आधा उत्तर है इसका, ये इसका आधा उत्तर है। और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि मुझे कम से कम 10 क्लास लेने दीजिए, उसके बाद उत्तर लेखन पे जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इस क्लास में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोग ही बैठे हुए हैं, तो मैं बहुत ही क्लियर हूं।
कि मुझे कुछ नहीं करना, पहले ये करना, पहले सामग्री तो आ जाए, सामग्री तो आ जाए। रट के बैठे हैं अफ्रीका के सारे देश, चौवन के चौवन एकदम तोता टाइप टपवा देंगे, लेकिन सोच नहीं है, सोच शून्य है और प्रश्न नहीं आता। ये यूपीएससी का प्रश्न है भाई। मानवीय कारणों पे चले, मानवीय कारण। अब आ गए हम मानवीय कारण। मानवीय कारण में मुझे लगता है कि आज भी यहां की जो आबादी है ना, वो काफी जनजाति है, ट्राइबल लोग ज्यादा हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि यहां पर आधुनिक विकास, आधुनिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, ये सब अभी भी निम्न स्तर का है। और इसके लिए मैं जिम्मेदार, बहुत ज्यादा जिम्मेदार यहां के इतिहास को मानता हूं। यहां पर जो उपनिवेश हुआ है औपनिवेशिक काल में, जो यहां पर हुआ है, जिस तरह से यहां की कॉलोनाइजेशन हुई है यूरोप ने जो की है, और जो दोहन हुआ है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हुआ है। आपने सुना है यहाँ की बाउंड्रीज जो है एकदम सीधी रेखा है। सीधी रेखा बाउंड्री क्यों है, जल्दी से बताइए क्यों है? अफ्रीका में मानचित्र खोलिए, अफ्रीका का राजनीतिक मानचित्र बच्चों, जल्दी से बताइए अफ्रीका की बाउंड्रीज ऐसी क्यों है, सीधी सीधी रेखाएं क्यों है? क्यों है, जल्दी से बताइए। क्यों है सीधी सीधी रेखा? डेजर्ट के कारण। डेजर्ट से सीधी हो जाती है क्या? डेजर्ट से सीधी हो जाती है। कुछ लोग कह रहे हैं सर डेजर्ट है ना इसलिए रेखा सीधी है। डेजर्ट से क्या सीमा रेखाएं सीधी हो जाती है? चलिए मुझे अवसर देंगे कुछ नया बताने का, मतलब अगर मैं कुछ नया बताऊं तो मान लेंगे, मान सकते कि नहीं मान सकते? हो सकता है आप डेजर्ट में फंसे हों, मैं इसका उत्तर देने वाला हूं। जनजातीय है, आधुनिक विकास की कमी है, इतिहास है, यह भी बताऊंगा मैं। आएगी बर्लिन कॉन्फ्रेंस, इसका कारण है बच्चों, बहुत सटीक कारण है क्यों इनकी सीधी बाउंड्री है, बहुत सटीक कारण है। डेजर्ट आप लोग लिख रहे हैं, पता नहीं क्यों लिख रहे हैं, बट मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जनजातीय आधुनिक विकास नहीं है, इतिहास में इनका औपनिवेशिक वो है। यहां पर कोई निवेश नहीं करना चाहता, निवेश का अभाव है, कोई भी नहीं करना चाहता। और मैं ये भी कहूंगा राजनैतिक अस्थिरता, राजनैतिक अस्थिरता बहुत जगह पर, यहां पर मिलिट्री तानाशाही रही, मिलिट्री की तानाशाही रही। आपने ईदी अमीन का नाम सुना होगा, उसके अलावा लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी का नाम सुना होगा, बहुत बड़े तानाशाह यहाँ पर रहे हैं। तो एक राजनीतिक अस्थिरता रही है और साथ ही साथ में अराजकता है, और बहुत जगह पर ग्रह युद्ध भी चल रहे हैं, ग्रह युद्ध भी चल रहे हैं। और अगर ये खत्म ना होता तो मैं इसमें यह भी डालना चाहता हूं, साथ ही साथ बहुत जगह आतंकवाद भी आ गया है। इन सभी कारणों के चलते, इन सभी कारणों के चलते यहां पर कुछ नहीं हो पाता। यहां पे औद्योगिकरण नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बच्चों बताइए? औद्योगिकरण हुआ ही नहीं, औद्योगिक क्रांति आई ही नहीं। औद्योगिक क्रांति को क्या चाहिए था? संसाधन चाहिए थे, वो तो थे नहीं, लोहा और कोयला था नहीं। उसके बाद क्या चाहिए होता? निवेश चाहिए होता है, निवेश भी नहीं है। यहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान है? नहीं है। क्या यहाँ पे श्रमिक ऐसे हैं, ट्रेंड है? किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं है। अभी भी जनजातीय लोग अपनी पुरानी मान्यताओं में रह रहे हैं, गरीबी में रह रहे हैं। इसलिए ये क्या हो गए, इसलिए क्या हो गए बच्चों, इसलिए हो गए ये डार्क कॉन्टिनेंट। 1 2 3 4 5 मैं चाहूं तो और भी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो और भी कर सकता हूं। सभी लोगों को समझ में आया? तो पहला, उत्तर लेखन का नियम क्या है? ईमानदारी से बताइए, स्कूल में भी आडंबर हटाते, मैं आडंबर नहीं रखता हूं एज अ टीचर, मैं सीधी बात करता हूं, मैं बहुत ही सीधी बात करता हूं। उत्तर लेखन में पहली चीज का मतलब, पहली चीज का मतलब ये होता है कि हमारे पास
कहने के लिए कुछ होना चाहिए। तो स्कूल में बताइए, स्कूल में भी आपके पास पहले बिंदु सोचते थे या नहीं सोचते थे? ऐसा क्यों हो गया है कि यूपीएससी के लिए आपका शिक्षक आपके लिए सोचता है और आपको यह समझ में आ गया कि मास्टर जी जब डिक्टेशन देते हैं तो उत्तर बनता है? ठीक है, कोई छात्र यहाँ पे लिखे सर अराजकता क्या होती है, हिंदी माध्यम है अगर आपका तो अराजकता का मतलब देख लो शब्द अर्थ की, तो मतलब ये गलत बात है कि नहीं? मैं अपनी मातृभाषा को इतना ज्यादा अपमानित कैसे देख सकता हूँ? एक हिंदी माध्यम का छात्र पूछा अराजकता क्या होती है। स्कूलों में यही करते थे बच्चों, ये पहले प्रश्न देखते थे और उसके बाद क्या करते थे, सोचते थे कि क्या होगा, सोचते थे क्या होगा। ठीक है, तो यार ये कारण होंगे, तो ये पहला कदम है। क्यों नहीं मैं आपको उत्तर लेखन में ले जाना चाह रहा हूं? सर हमको कुछ नहीं आता। अरे बच्चों जो आता है उसे तो निकालना शुरू करो, उसे तो निकालना शुरू करो, करेंगे तब कुछ होगा। ठीक है सर, कुछ लिखने के लिए कॉन्सेप्ट भी तो होना चाहिए। बिल्कुल करीना, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। लेकिन आप क्या रटना चाहते हैं, देश और राजधानी, देश और राजधानी। जब आपको कॉन्सेप्ट देता हूं, जब आपको कॉन्सेप्ट देता हूं कि ये मैदान है और ये उच्च भूमि है, तब क्या कहते हो सर डिक्टेशन दे दो, देश और राजधानी करा दो, है ना? और कोई कह रहा है डेटा होना चाहिए, ये देखो 4 बार लिखा मनीषा कुमारी ने, डेटा होना चाहिए। बच्चों डेटा है कहीं पर? कहीं पर भी डेटा बच्चों? आप बताइए उत्तर अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा? कहीं पर भी डेटा है इसको छोड़कर? डर डर बांटा जाता है। उत्तर लिखने के लिए क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। कौन सा डेटा? खोज, जलवायु, स्थल आकृति, भूगोली तो है, भूगोली तो है, भूगोल, जल जलाशय, जल प्रबंधन नहीं है यहां पर, उपयुक्त जल प्रबंधन नहीं है। अब बताइए इस प्रकार की विकलांगता, इस प्रकार की विकलांगता में अगर मैं आपको कहूं आओ बच्चों उत्तर लिखो, तो वो क्या हो जाएगा? सर आप लिख दीजिए हम छाप लेंगे। आप लोगों के सामने बिना बिना डेटा के एक अच्छा उत्तर बनाने के लिए कंटेंट दिया कि नहीं? उत्तर नहीं दिया, कंटेंट दिया कि नहीं दिया? ठीक है, सभी लोग मेरे साथ? तो ये जलवायु है, स्थलाकृति बीमारी। जलवायु क्या है? यहां की एटमोस्फियर की कंडीशंस, ये लिथोस्फियर की कंडीशंस, ये वाटर मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छा नहीं है, कई चीजों की कमी है। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कैसे बनेंगे जब हम अफ्रीका को जानेंगे? हमने अफ्रीका को कैसे जाना, हमने अफ्रीका को कैसे जाना? हमने अफ्रीका का एक मानचित्र लिया, उसके देश जाने, उसकी राजधानी जानी और रटना शुरू। फिर प्रश्न आता है तो क्या होता है, जलियांवाला बाग। आप सोचिए कोई ये तक कह रहा है कि सर ये अगर प्रारंभ में नहीं ढूंढा था तो गांधी जी कहाँ गए थे? सोचिए ये तो हमारी पढ़ने की स्थिति है और हम उत्तर लेखन का दम भरते हैं। कैसे भरते हैं मैं इसको थोड़ी देर के लिए कहना चाहूंगा, एक थोड़ा सा एक विनम्रता से निवेदन करना चाह रहा हूं, अपने स्कूल वाले लेवल पे जाइए, सोच यार चीजों को समझ आएगी और हम जो है उसके आगे, उसके आगे उस पर अपने विचार लेकर आएंगे और उत्तर आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, तो ये आप सबसे अनुरोध है। वरना क्या होगा, वरना क्या होगा कि हम कुछ दिए हुए जानकारी के टुकड़ों पर आश्रित रहेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरा छात्र अपने पास अपने पैर रखे और दौड़े। उसके लिए क्या होगा, भगवान ने हमें सबसे बढ़िया चीज दी, मस्तिष्क दिया, दिया कि नहीं दिया, उसका यूज करेंगे। मैं इसमें पहले भूगोल लेकर आता हूं, अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका कहाँ हो, अफ्रीका ये रहा अफ्रीका, अफ्रीका एक प्लेट है, प्लेट विवर्तनी की आपको बताया था प्लेट, तो अफ्रीका ये प्लेट है, ये अफ्रीका पूर्ण प्लेट है, इसके सिरे यहां पर हैं, तो यहाँ कहीं पे ज्वालामुखी आ सकते हैं, यहाँ कुछ होगा, तो पहले मैं देखूंगा अफ्रीका है कहाँ। अगर इसका भूगोलिक चिंतन करना है, समझ करनी है, तभी तो होगा। ठीक है, अच्छा ये अफ्रीका, अफ्रीका एक पेंजिया नाम का महाद्वीप हुआ करता था, सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता 200 मिलियन साल पहले, वेगनर की अवधारणा, वो विखंडित हो गया, एक पेंजिया हुआ करता था। सारे सुनिए, जो लोग नहीं जानते उनको बता रहा हूं, सारे के सारे भूखंड जो हैं, सारे महाद्वीप जो हैं, वो एक साथ चिपके हुए थे, उसको क्या कहा जाता था, पेंजिया, पेन मतलब ऑल, सब कुछ, जिया मतलब पृथ्वी, सारी समस्त पृथ्वी के जितने भी भूभाग थे, जो कॉन्टिनेंट थे, महाद्वीप थे, वो सब मिले हुए थे, वो पेंजिया कहलाता था। ठीक है, वो टूट गया, वो टूट गया, क्यों टूट गया, पृथ्वी के आंतरिक बलों से,
कल बताया था आंतरिक बलों के कारण ऊपर टूट गया, टूटा तो विभाजित हो गया, ऊपर वाले को क्या कहा, अंगारा गोंडवाना। और इसमें आप देख सकते हैं अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका किसका हिस्सा था, गोंडवाना का हिस्सा था, ये टूटे और सब अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ गए, समझ में आ गए। तो ये अफ्रीका है, तो ऐसा नहीं है कि गांधी जी के टाइम में अफ्रीका, ये समय बता दूं, कालखंड बता दूं आपको, 65 मिलियन साल पहले हो गया था, गांधी जी क्या मनुष्य के आने से पहले ही हो गया था, तो अफ्रीका तो अपनी जगह पर था, ठीक है, समझ में। कोई बोल रहा है सर आपने ये नहीं बताया कि सीधी लाइन क्यों होती है, बता रहा हूँ चाचा, यहां से शुरू कर रहा हूं, मुझे जो शुरू करने का मौका मिलेगा, मैं अफ्रीका का अध्ययन करना चाहूंगा कि नहीं, या फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम है, फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम तो नहीं, अफ्रीका को मैं किसी भी महाद्वीप को पढ़ना चाहूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको दक्षिण अमेरिका पढ़ाया, तो दक्षिण अमेरिका ये आपको दिखाई दे रही है बाउंड्री, इस पे नाजका प्लेट थी इसलिए एंडीज बना था, यहाँ पे बाउंड्री दिखाई दे रही इसलिए यहाँ पे रॉकीज बना था, ये सिद्धांत है, एक बार सिद्धांत हो गए समझ में आ जाता है। यहाँ पर छोटी सी प्लेट है, देखिए कल हम बात कर रहे थे, या उत्तर अमेरिका में यहाँ पे कैरेबियन द्वीप बने क्योंकि एक छोटी प्लेट है। तो पहला परिचय ये होना चाहिए, दूसरा परिचय बात बात में जब हम अपना उत्तर लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि अफ्रीका गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा था, ये जानकारी हमारे लिए काम आएगी, हमारे उत्तर को एक समझदारी देती, समझदारी देती। उसके बाद अफ्रीका में मानव की उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे प्रमुख देखता हूं, मुझे इस बात पे बहुत शर्म आती है, मुझे इस बात पे बहुत शर्म आती है कि हम लोग अफ्रीका के लोगों को काला कहकर बात करते हैं। आपको हैरानी होगी कि मानव मनुष्य की शुरुआत इसी द्वीप से, इसी महाद्वीप से हुई, द्वीप कह रहा हूं गलती, महाद्वीप से हुई, यहां से सब निकले हैं, और जो हमारी त्वचा का रंग बदला है क्योंकि हम ऐसे क्षेत्रों में चले गए, जलवायु जहां बदली वहां हमारा रंग बदला है। ये अफ्रीका है, इतिहास से पहले 50,000 BC में नियंडरथल और ये सारे अफ्रीका में शुरुआत हुई, इन सब की अफ्रीका में शुरुआत होती है। जो हमारे पास सबसे पुराना नरकंकाल है, ओल्डेस्ट वन, ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट बताते, मैं नहीं बताता, फिर बाद में बोलोगे सचिन सर आपको किसने बताया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इन हड्डियों का वो किया, शोध किया, और उन्हें पता चला 3.6 से 3 मिलियन साल पहले एस्ट्रेलोपिथिकस नाम के ऐसे प्राणी हुआ करते थे, उनकी हड्डी, इसका नाम है लूसी, लूसी इसका नाम रखा। तो कहां से शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, ठीक है, कहां से शुरू हुआ, अफ्रीका, यहां से हुआ, समझ में आया। सर अफ्रीका को मानव का पालना कहा जाता है, मानव का पता नहीं, मानवता का पालना यही है, मानवता का पालना यही है। तो अफ्रीका, अफ्रीका से मानवता शुरू हुई, शर्मानी चाहिए, हम उन्हें काला कहते हैं, वहीं से शुरू हुए भाई, हम थोड़े ठंडे प्रदेश में आ गए तो हमारे पूर्वजों का जो है मिलानिन की जरूरत नहीं थी, तो उनके शरीर ने मिलानिन बनाना शुरू कर, बनाना बंद कर दिया। आप सोचिए कि अगर हम बात करते हैं हम कहाँ से बने हैं, तो हम एप से बने हैं, बंदर, एप से हम बने, ठीक है। अब एप्स में हमारी क्या चीज गई, अगर आपने थोड़ा सा भी बायोलॉजी पढ़ा हो तो आपने सुना हमारी पूंछ चली गई, पहले हमारे पास पूंछ हुआ करती थी, पूंछ की जरूरत नहीं तो पूंछ चली गई, उसको कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, अगर आप में से कोई डॉक्टर हो तो वो जानता होगा, अभी भी हमारे पास वो पूंछ की ठूंठ है हमारे शरीर में, उसे वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता कि नहीं। तो पूंछ चली गई, पूंछ की कोई जरूरत नहीं थी, वैसे जरूरत होती तो क्या होती, अगर पूंछ होती तो क्या करते, कुर्सी पे बैठने से पहले कुर्सी अपनी पहले पूंछ लेते फिर बैठ जाते, फायदा तो था पूंछ का, है कि नहीं। हाँ, जिन्होंने कील गाड़ा है उनको दिक्कत है, पूंछ फंस सकती थी, उलझ सकती थी, जो शहरों में रहते हैं उनको ध्यान रखना होता, जब मेट्रो का दरवाजा बंद हो रहा होता तो मेट्रो में अनाउंसमेंट होती अपनी अपनी पूंछें अंदर कर लें, तो वो चली गई, पूंछ की जरूरत नहीं थी इसलिए हमारे शरीर से चली गई। तो जब मनुष्य ने अफ्रीका छोड़ा, अफ्रीका जो जलवायु में काफी गर्म क्षेत्र था, जब इसको छोड़ा और वो उत्तर में चला गया, यूरोप में चला गया, तो उसे मिलानिन की जरूरत नहीं थी, तो उनके शरीरों में मिलानिन आना बंद हो गया, वो गोरे हो गए। और हम क्या है, न गोरे न काले, हम बीच में भूरे, हम अपने चौधरी हैं, गोरे कम कहते हैं हमको काला कहता था, काले को हम काला ही कहते हैं, हम बीच में बहुत मजे से। तो कहना चाहूंगा सब कुछ यहीं से शुरू हुआ है, सब कुछ यहीं से शुरू हुआ है, और ये अफ्रीका का परिचय। उसके बाद ये आ गए लोग, कौन आ गए अफ्रीका में, यूरोपीय मूल के लोग आए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ध्यान दीजिएगा,
अफ्रीका इतना जनजाति है, आपके होश उड़ जाएंगे। ये सारे छोटे 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 दिख रहे हैं, ये सारी जनजातियां हैं। अगर विश्व में कोई भूखंड जिसमें सबसे बड़ी सांस्कृतिक विविधता है, वो अफ्रीका है। हर एक जाति, हर एक छोटी छोटी जनजातियां हैं, कई आपस में दोस्त हैं, कई आपस में दुश्मन हैं, कई आपस में दोस्त हैं, कई आपस में दुश्मन हैं। और इन सब पे किसने कब्जा किया? यूरोपीय मूल के लोगों ने कब्जा किया। फिर आपस में इनकी लड़ाई हुई, आपस में इनकी लड़ाई हुई कि भाई ये तेरा ये मेरा। जब ये तेरा मेरा हुआ तो बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुई। बर्लिन में जिन्हें कुछ भी नहीं पता था अफ्रीका के बारे में, उन लोगों ने कहा एक अफ्रीका का खाली मानचित्र लाओ, उस पे एक लाइन खींचो। तो बेल्जियम ने कहा भाई ये मेरा है, तो ये खींच दिया। ब्रिटिश ने कहा देखो भाई मेरा ये वाला, ब्रिटिश का रंग दिखाई दे रहा है, ये मेरे को दे दो, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। छोटे छोटे गैम्बिया, सीरा लियोन, ये ब्रिटिश ने पकड़ लिया। उसके बाद फ्रेंच ने कहा सुनो यार ये मेरा है, यहां से लाइन खींचो, ये हो गया, ये सारा मेरा है। ये अफ्रीका के मानचित्र। ये सबसे बड़ी समस्या बच्चों, देखो यहाँ कितनी बड़ी चुनौती आएगी, कितनी विविधता है, कितनी सारी विविधता। उस सारे को एक नाइजीरिया में बना दिया। क्या आप जानते हैं नाइजीरिया में आज भी लोग मरकट रहे हैं? नाइजीरिया में आज भी जातीय संहार हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये इतनी सारी, इतने सारे बड़े गुच्छे को लेकर एक ब्रिटिश ने कहा ये मेरा है। कहां पर? वही बर्लिन में बैठ के, बर्लिन कॉन्फ्रेंस में ये सीधी रेखाएं डाल दी गई। ये राजनीतिक रेखाएं होती हैं बच्चों। ये रेखाएं कौन डालते हैं? रेखाएं हम डालते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसमें किसी ने कोई सोच नहीं लगाई। रेडक्लिफ आए और उन्होंने लाइन खींच दी और वो चले गए। उनको ये भी ध्यान नहीं था कि इस तरफ अगर अगर उन्होंने देखा कि इस डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम बहुल है तो ये पाकिस्तान चला गया, हिंदू बहुल है तो ये इंडिया में चला गया। इसी में सिख कम्युनिटी आप देखेंगे तो जो जो हमारे सिख समुदाय है, सिख समुदाय इधर है लेकिन उनका गुरुद्वारा करतारपुर लाइन के परे चला गया। तो वो आज भी दूरबीन से देखा करते थे करतारपुर, जो उनके लिए बहुत श्रद्धेय है। तो आप देखेंगे इसमें यूरोपीय मूल के लोगों ने कभी वहां की सामाजिक बनावट, वहां के ताने बाने को कभी नहीं देखा। इन्हें कहा जाता है सुपर इम्पोज्ड बाउंड्रीज। तो इसका कारण क्या है कि अफ्रीका में सीधी रेखाएं क्यों हैं? क्योंकि ये सुपर इम्पोज्ड बाउंड्रीज हैं। ये बाहर से किसी बाहरी तत्व ने अपनी सहूलियत के लिए बनाई। ये सब जगह बनी है, यहां भी बन गई, यहां भी बन गई। यहां जाके देखा नहीं कि इस मूल के लोग यहां पर हैं, इनमें ये सीमा वो सीमा होगी। आप सोचिए इस विविधता को यहां पे डाल दिया, आज भी लोग लड़ते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहां पर हो जाती है ये जो इथियोपिया काटा गया, इरिट्रिया काटा गया, सोमालीलैंड, यहाँ पे छोटा सा ये सोमालिया कट गया, यहाँ पे आपने जिबूती सुना होगा। ये क्यों बन रहे हैं? क्यों ये कट गया? आपने सुना सूडान विभाजित हुआ, उत्तरी सूडान दक्षिणी सूडान दोनों अलग थे। उत्तरी सूडान दक्षिणी सूडान ये जनजातीय रूप से एकदम अलग थे, कभी साथ हो ही नहीं सकते थे। इनको जबरदस्ती एक सीमा रेखा डाल दी और आप ये हो। क्यों? क्योंकि एंग्लो इजिप्शियन सूडान था। आप सोचिए एंग्लो इजिप्शियन सूडान और ये इजिप्ट ब्रिटिश ऑक्यूपेंसी। सबको समझ में आया सीधी रेखा क्यों है? मुझे नहीं पता, एकदम से सभी लोगों ने कहा डेजर्ट है, डेजर्ट है, डेजर्ट है। भाई सब जगह पर है। इसका इतिहास में मेरे ख्याल से मणिकांत सर ने आपको विश्व इतिहास में जरूर पढ़ाया होगा बर्लिन कॉन्फ्रेंस क्या है। ठीक है, सबको मिल गया। सर उस समय नाव नहीं थी तो लोग दूसरे महाद्वीप पर कैसे गए? एक ना कोई ये वाला एकदम ही मासूम सवाल पूछ रहा है, एकदम ही मासूम सवाल पूछ रहा है और मैं इसका क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं इस मासूम सवाल का जवाब देना चाहता हूं। ठीक है, ये मानव भूगोल का प्रश्न है लेकिन मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। ये विश्व का मानचित्र है, यहां पे मानव शुरू होता है, यहां से मानव की उत्पत्ति होती है। तो ये जो नन्ना मुन्ना सवाल मेरे पास आता है, पता नहीं क्यों आ रहा है, मासूम सवाल। जी सर, तब तो नाव भी नहीं थी,
सर ये यहाँ कैसे पहुंचे, ये यहाँ कैसे पहुंचे सर, बिना नाव पहुंच कैसे गए? तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि शिक्षा और जो आधुनिक शिक्षा जो क्लासरूम में दी जाती है, जिसमें सिर्फ हम डिग्री और एक कागज का फर्रा लेते हैं जिसमें हम पास होते हैं, वो हमें ज्ञान नहीं देती। ठीक है, ये जो आप नाव सोच रहे हैं यहाँ से, ये यहाँ से निकलेंगे तो एक दिन में नहीं निकलेंगे। ठीक है, ये कई लंबे कालखंड में निकलेंगे। तो ऐसा हुआ यहाँ पर, ऐसा कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से मनुष्यों को ये जगह छोड़नी पड़ी। यहाँ बहुत गर्मी हो गई होगी, पानी का अभाव हो गया होगा, तो इन्होंने छोड़ने की कोशिश की। यहाँ तो मरुस्थल है, मर गए इधर से। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से जो सबसे संकरा क्षेत्र है, यहाँ तक ये चल के आ गए। तो अफ्रीका से एग्जिट कहाँ मारा? यहाँ पे मारा। ये है लाल सागर, और यहाँ आपने देखा होगा बाबल मंडप, एक छोटा सा पतला सा संकरा क्षेत्र है, उसे पार कर लिया। ठीक है, अभी मुन्ना वाली बातें मत करो सर, नाव नहीं थी क्या थी? उसके बाद ये लोग यहाँ पहुंचे, तो यहाँ से एक ब्रांच इधर चली गई, एक ब्रांच इधर आ गई। इस तरह से इस पृथ्वी पर मनुष्यों का फैलाव हुआ है। यहाँ पे बोट पीपल थे, ये ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए। ठीक है, ये एक दिन में नहीं हुआ, दो दिन में नहीं हुआ। सबसे अच्छी बात ये, जितने भी मनुष्य थे, इनमें कोई भी नौटंकी फ्री में देशभक्ति में आकर बड़ी बड़ी बात करते हुए पीएससी, एसएससी, आरआरबी और बैंकिंग, पीओ, ये सब परीक्षाओं का खेल नहीं खेल रहा था। ये कौन सा खेल खेल रहे थे? जीवन का खेल। इनको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी थी, अरे सर मुझको याद नहीं हो रहा, ऐसे नहीं रोते थे। इनको जिंदा रहना था, इनको बेहतर दशाएं ढूंढनी थी, इनको डार्विन घुमा रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे अच्छा होगा वहां जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, इनमें इनके साथी कौन थे? इनके साथी वो थे जिनका हम तिरस्कार करते हैं, जानवर, पशु। पशु मानव से ज्यादा मजबूत प्राणी हुआ करता था उस समय, उस समय। आज तो मानव के पास तकनीक है। इन्होंने देखा ये बहुत सारे पशु इस तरफ जाते हैं चारा खाने। तो मानव स्मार्ट था, आपकी तरह नहीं था कि जब तक उत्तर ना बताओ तब तक उत्तर सोच ही नहीं सकता। ये समझदार थे। इन्होंने देखा है पशु जा रहे हैं, इनका पीछा किया जाए। पीछा करते करते सोचिए मानव यहां तक पहुंच गया। मानव यहां तक पहुंच गया तो आप समझ रहे हैं उत्तर अमेरिका का दरवाजा खटखटा रहा है। मानव यहां से घुसा उत्तर अमेरिका, और उस समय ये बेरिंग सी भी थोड़ा छिछला हुआ करता था। यहां पे आए और फिर यहां पर माया से आती है, यहाँ इनका आती है, मैक्सिको में एजटेक आती है। ऐसे हुआ तो जितने लोग नाव ढूंढ रहे हो सर, नाव तो थी नहीं सर, कैसे आए होंगे, है ना? नाव तो थी नहीं सर, आए कैसे, जल्दी से बताइए कैसे आए थे। तो इसमें मैं बहुत अहम चीज डालना चाहता हूं, इसको क्या कहा जाता है बच्चों? इसको कहा जाता है माइग्रेशन, प्रवसन। क्या पक्षी माइग्रेट करते हैं? आपने सुना पक्षी साइबेरिया से क्रेन आती है? क्या पक्षी माइग्रेट करते हैं, या पशु माइग्रेट करते हैं? ऐसे ही मनुष्य ने भी माइग्रेट किया। और मुझे बता दीजिए, आज की डेट में सौरभ पूछ रहे हैं, सुधा आप कहाँ से हो? सौरभ गुफा है क्या तुम्हारे पास? पकड़ो रे सौरभ से, बच के रहना। सुधा का पूछ रहा है कहाँ से। सौरभ अफ्रीका जाओगे? सवाना में कहां से? तो माइग्रेशन, अभी भी मैं बता रहा हूं, पूरी दुनिया में इसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। प्रवासी लोगों के साथ बदतमीजी होती है या नहीं होती? अपना देश, अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में जाते हैं, काम करते हैं, उनके साथ भेदभाव होता है या नहीं होता है? प्रवासियों कहा जाता है इस देश के नहीं हो, जो आपने देखा होगा म्यांमार में, सरकार ने जो है निकाल दिए प्रवासी, मरो जहां मरना मरो, उनके साथ उत्पीड़न हो सकता है, उनको मारा जा सकता है, नरसंहार हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, प्रवासियों के साथ हमेशा हो सकता है। हैरानी की बात है, हम प्रवासियों को एक निचली निगाह से देखते हैं। मनुष्य पूरे के पूरे विश्व में मनुष्य ने प्रवासी किया। और जब डोनाल्ड ट्रंप ये नारा दिया करते थे अमेरिका फॉर अमेरिकन्स, तो उस गोल्डन हेयर वाले चचा को कोई बताए, चचा अमेरिका में तो यूरोप से ही तो आए हो आप लोग, अमेरिका फॉर अमेरिकन्स तो यहाँ के ओरिजिनल लोगों को, मूल निवासियों को देनी पड़ जाएगी, है
एक ही नहीं, गोल्डन हेयर वाले डोनाल्ड ट्रंप जी। बाकी मोदी जी उसका नाम बदल दिए थे, बट फिर भी डोनाल्ड ट्रंप जी बोले अमेरिका फॉर अमेरिकन्स। कोई बताए चचा को अमेरिका फॉर अमेरिकन्स का मतलब क्या है? फिर अमेरिका किसका? इनके मूल निवासियों का है कि नहीं? कब पहुंचे ही अमेरिकन्स, कब पहुंचे यूरोपीय लोग? 500 साल पहले। ये लोग तो उससे पहले भी रह रहे हैं। अमेरिका फॉर अमेरिकन्स, समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत हैरानी की बात है, ये बहुत हैरानी की बात है कि हम नस्ल भेद करते हैं, हम गोरा काला करते हैं, जबकि केवल यहां से, क्योंकि आप कौन से क्षेत्र में हो, ग्रीष्म क्षेत्र में हो, तो आपके शरीर में मेलानिन ज्यादा बनता है। लेकिन जैसे जैसे प्रजातियां बाहर गई, अब रूस में आपको नहीं मिलेगा भाई, रूस एकदम ठंडा है, एकदम ठंडा है, तो रूस में नहीं मिलता है, यहां पे नहीं मिलता है। सीधी सी बात, इतना अगर हम भूगोल कर लेंगे तो काम हो जाएगा। समझ में आया? ये नव वाला प्रश्न से बाहर आ गए कि नहीं आ गए? सर गांधी जी कहाँ गए थे अगर इसका नहीं पता था? अरे बाबा पता था, सब पता था, अंदर का जो है भेद नहीं लिए थे। गांधी जी कहाँ गए थे? गांधी जी घर से निकले थे, कह के जा रहे हैं अफ्रीका, बीच में सिनेमा देखने चले गए, पता नहीं क्या, बहुत झूठ बोले होंगे शायद, इसलिए अफ्रीका तो था नहीं तब। कुछ भी मेरे नाम पे, सचिन सर आप तो ये बोले, समझ में आ गया? सीधी सीमा रेखा क्यों हुई? सीधी सीमा रेखा इन लोगों की वजह से हुई, ये बाहर से इनको सुपर इम्पोज्ड, बाहर से जो है सीमा रेखाएं बनी, ना कि प्राकृतिक सीमा रेखाएं, ये इन लोगों ने औपनिवेशिक काल में बनाई, वहां भी बनाई, यहां भी बनाई, हर जगह पे आप देखेंगे बहुत ज्यादा इसके टुकड़े हुए हैं। उसके बाद बड़ा बड़ा टकराव है इस महाद्वीप पर। उत्तर में इस्लाम का फैलाव है, दक्षिण में क्रिश्चियनिटी का फैलाव, इनमें भी टकराव रहता है। सोचिए, पहले तो ये जनजातियों में टकराव है, उसके बाद धार्मिक टकराव भी रहता है, खूब टकराव रहता है। यहां पे अगर हम देखेंगे तो जो इस्लाम का क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में हमारे पास कौन होते हैं? घुमंतू लोग होते हैं, नोमैड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? नोमैडिक हर्डर। यहाँ पर घुमंतू लोग हैं, क्योंकि मरुस्थल में क्या हो सकता है? नोमैड्स ही हो सकते हैं। वो क्या करेंगे? अपने जानवर चराएंगे, ऊंट रखते हैं, ऊंट को चराने के लिए ऊंट की चराई हो रही है। और ये जो क्षेत्र है, यहां पर कौन है? कृषि, ये कृषि करते हैं, इनमें आपस में लड़ाई होती है, क्योंकि जैसे जैसे मरुस्थल फैल रहा है तो वो जो घास के क्षेत्र है वो खत्म हो जाते हैं, घुमंतु और इनमें लड़ाई होती है, तो ये भी लड़ाई का कारण, इनमें भी लड़ाई का कारण, इनमें भी लड़ाई का कारण जनजातीय लोगों की वजह से कंफ्यूजन। उसके पहले यहां से जब इतिहास शुरू होता है उसका कोई हमें जानकारी ही नहीं है। इस तरह से अफ्रीका और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। उसके बाद अफ्रीका को आजादी मिलती है, अफ्रीकी देशों को आजादी मिलती है। कैसे कैसे? 1890 में ये आजाद होने शुरू हुए। आजाद मतलब ये इंडिपेंडेंट, पीला हो जाएगा, ये पीला हुआ पहले, ये आजाद हुए, उसके बाद ये दोनों आजाद, लेकिन अभी भी नहीं छोड़ा है। 1950 में ये आजाद होने शुरू हो गए, उसके आगे बढ़े 1958 में ये बड़ा वाला आजाद हो गया, उसके बाद 1970 में ये आजाद हुआ, फिर ये आजाद हुआ। और आजाद में कौन गया बच्चों? कौन गया अफ्रीका को छोड़कर? अफ्रीका को छोड़कर कौन गया? उपनिवेशिक ताकतें गई, पर पीछे कौन है? इन देशों को चलाएगा कौन बच्चों? अब कौन चलाएगा इन देशों को? कौन चलाएगा इन देशों को? सर यहीं की सरकार चलाएगी, बट यहां तो सरकार है ही नहीं बच्चों। ये तो एक नाइजीरिया, ये तो अपने ही समूहों में बटा हुआ है। क्या ये चुनाव करके एक मजबूत सरकार ला सकता है? क्या ये ला सकता है? नहीं ला सकता। सब आपस में बटे हुए, धर्म पे भी बटे हुए हैं, अपने कार्यों में भी बटे हुए हैं। कोई कृषक है वो खेती करता है, कोई पशुपालन कर रहा है, पशुचारण कर रहा है, दिक्कत या नहीं दिक्कत? ये अफ्रीका की कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है बच्चों। ये जो आज मैं आपको बता रहा हूं, ये किसका परिचय है? ये है मानव भूगोल। ये प्रकृति ने तो हमारे लिए कसौटी कड़ी रखी ही थी, ये तो प्रकृति ने कर दिया था हमारे पास। प्रकृति ने यहां चुनौती दी, उसके बाद मानवता ने भी चुनौती दी, मानवता ने भी चुनौती दी। और फिर बता रहा हूं, अफ्रीका आपके लिए क्या है? देश राजधानी, देश राजधानी, देश राजधानी, देश राजधानी। मेरे लिए अफ्रीका क्या है ये मैं बताना चाहता हूं। मेरे लिए अफ्रीका वो है जो मैंने अफ्रीका को देखा, जाकर अफ्रीका को देखा, अफ्रीका में जो चुनौतियां मैंने देखी, फिर चाहे मैं इजिप्ट गया हूँ, चाहे अंगोला गया हूँ, चाहे दक्षिण अमेरिका गया हूँ, चाहे मोजाम्बिक और तंजानिया गया हूँ, यहां से हजारों लाखों की संख्या में जानवरों की तरह अफ्रीकी मूल के लोगों को ले जाया गया यहाँ पर काम करने के लिए।
ये सारी कॉलोनीज हैं, इनमें इन्हें जानवरों की तरह उठा के ब्राजील ले गए, फ्रेंच कैरेबियन में रह गए, नौकरी करवाई, यहां पर हुआ स्लेव ट्रेड। हर जगह जहां उन्हें नौकर चाहिए, जहां उन्हें दास चाहिए जिसके पास कोई अधिकार नहीं हो, उन्हें जानवर डिक्लेयर करवा दिया गया, जानवर डिक्लेयर करा दिया। सो मच सो कि हमारी सोच में भी अफ्रीका मूल के लिए कहीं ना कहीं पर कोई भेदभाव दिखता है। यहां पर ये जो क्षेत्र है, यहां मरुस्थल खत्म होता है, ये मरुस्थल है और इसके नीचे घास क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र साहेल जो ट्रांजिशन का क्षेत्र है, यहां पर सारा पानी सूख रहा है, यहां बहुत सारी लड़ाई हो रही। बताऊंगा इस सब के बारे में, बट मैं सिर्फ आपको चुनौतियां दे रहा हूं। ये है अफ्रीका, वो जो लोग बात करते हैं, मरुस्थली क्षेत्र ऐसा है। लोग कैसे हैं? ऊंट की पूंछ, ये चरवाहे। उसके बाद जब हम मरुस्थल से नीचे आते हैं बच्चों, थोड़ा सा अगर मरुस्थल से, ये तो मरुस्थल दिखाया मैंने आपको, थोड़ा सा अगर नीचे आता हूँ साहिल की तरफ, तो जब मरुस्थल खत्म होता है तो कैसा लगता है? ऐसी सड़कें हैं, इन सड़कों का रख रखाव बहुत मुश्किल। एक बार सरकार ने बना दी, उसके बाद कोई सरकार भी नहीं। और नीचे आऊंगा, अगर और नीचे आऊंगा तो ये घास क्षेत्र है, इसको क्या कहते हैं? सवाना। अब घास क्षेत्र है, ऐसी घास है, सूखी घास। सूखी घास, कृषि योग्य बहुत ज्यादा भूमि नहीं है, अवस्थाएं नहीं है, ये यहाँ की स्थिति है। ये अफ्रीका है। कौन सा अफ्रीका? मरुस्थल वाला अफ्रीका। ऐसा नहीं कि पूरा अफ्रीका ऐसा है, अफ्रीका में और भी चीजें, और लेकर आता हूँ। अफ्रीका का युवा वर्ग, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि विश्व की सबसे यंग आबादी है अफ्रीका में, विश्व की सबसे यंग आबादी है। ये बचपन है इनका, ये इनकी जवानी है, ये वही हैं, अपने अपने कबीले के लिए लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। आतंकवाद, अराजकता। किसी ने कहा सर अराजकता क्या होती? बेटा ये अराजकता होती, ये नौजवान लड़के जो अभी अभी एनसीईआरटी पढ़ के आए, ये अपनी रख के बैठा हुआ बंदूक। और ये है नाइजीरिया, जहाँ तेल का भंडार है। तेल का शोधन करने के लिए तकनीक नहीं है, तेल का शोधन इस तरह से होता है, पूरा का पूरा देश इस तरह से, जो तेल के शोधन के क्षेत्र हैं वो ऐसे हैं। ये अफ्रीका है, अफ्रीका में बीमारियां हैं, अफ्रीका में ये झुग्गी झोपड़ियां हैं। ये नाइजीरिया है, जहां एचआईवी पॉजिटिव वो बेचारा शर्ट पहन के घूम रहा है कि मैं एड्स का भी, एड्स भी। ये टोयोटा वॉर कहा जाता है कि सबके पास एक टोयोटा है। जैसे बहुत से लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी मिलेगी तो पहले एम्बेसडर होती थी फिर बोलेरो होती थी, वहां सरकारी नौकरी नहीं, अपनी टोयोटा लो, अपने आदमी लो, जाओ। किससे लड़ाई हो रही मरुस्थल में? वहां मेरी चरवाही चरा नहीं पा रहा था इसलिए जाकर मारो। ये अफ्रीका है, इसलिए अफ्रीका अंध महाद्वीप है। अफ्रीका में खनन भी होता है, अफ्रीका में संसाधन भी है। ये खनन कौन कर रहा है? यूरोपीय कंपनियां कर रही। यूरोप की कंपनियां जाम्बिया से कॉपर निकालेंगी, यूरोप की कंपनियों ने दोहन किया है। और आपने डायमंड भी सुना है, बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर उसी देश का कोई धनाढ्य, पूंजीपति इन लोगों से ये काम करवा रहा है, डायमंड ऐसे निकाल रहे होते हैं। तब गरीबी है वहां पर, ये मिट्टी में से खोजो। इसे ब्लड डायमंड कहा जाता है, सियरा लियोन डायमंड की खदान है। आपने सुना वहां पे डायमंड ही डायमंड है, ये डायमंड की सच्चाई है बच्चों, ये डायमंड की सच्चाई है। ये अफ्रीका है, अफ्रीका इसलिए अंध महाद्वीप है। आज अफ्रीका का परिचय मिला। अफ्रीका का मतलब ये नहीं कि अफ्रीका के देश और राजधानी, देश और राजधानी। प्रश्न हमसे पूछेगा एग्जामिनर, तो प्रश्न पूछता है क्यों है। आपको एक और प्रश्न बताऊं, एक और प्रश्न बताता हूं, संसाधन। संपन्न अफ्रीका में भारत अपनी क्या भूमिका देखता है? ये प्रश्न है यूपीएससी का। व्हाट रोल डज इंडिया सी, अंग्रेजी माध्यम के लिए, व्हाट रोल डज इंडिया सी फॉर अ रिसोर्स रिच अफ्रीका। इसमें अफ्रीका में भारत अपनी क्या भूमिका देखता है, इसमें ध्यान दीजिएगा। एक समझदार छात्र जो सच में अपनी सोच रखता है, कील नहीं रखता है, वो सोचेगा सर भारत तो है लेकिन सर यहाँ पहले ही चाइना पहुंच चुका है, और सर पश्चिमी देश भी यहाँ पर अपनी पैठ अभी भी रखते हैं, इसमें भारत को कुछ सोचना है। तो भारत क्या करता है,
तो आपने कहा लुक वेस्ट लुक ईस्ट, यहाँ पर क्या आ जाएंगे हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध में जो आपके शिक्षक पढ़ाएंगे बढ़िया से, वो वाला भी जोड़ना है। अब ये तोड़ जोड़ बच्चों कैसे आएगी? हम तो ये कहते हैं कि सर कौन से पूछ रहा है, बेटा तुम कहाँ से हो, कोई पूछ रहा था कि नहीं किसी लड़की से, ग्रुप बनाएगा। सीधी सी बात, कहीं पर भी जाने के लिए अफ्रीका को जानने के लिए अफ्रीका की संवेदनाएं तो लेनी पड़ेंगी ना बच्चों, अफ्रीका का वो तो मैं बता ही दूंगा। विनीत बुक बताओ प्लीज, अफ्रीका की बुक नहीं लिखी गई विनीत, ये सारी मैंने बैठ के बनाई है, दाढ़ी बनाने की भी फुर्सत नहीं थी ये बना रहा था। बुक बताओ प्लीज, मेरे पास कील है मैं उसी पे बैठ जाऊंगा, उत्तर बताओ प्लीज। लेकिन ये तो सब अफ्रीका की मुसीबतें हुई, कुछ अच्छा भी है अफ्रीका, ये दिखाई दे रहा है अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो, इस पर आप पहाड़ की चढ़ाई करने भी जा सकते हैं। 5,000 मीटर है शायद, 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे, इस पे बहुत से लोग इस पहाड़ को चढ़ने भी जाते हैं। प्रीलिम्स पास हो जाएगा, गैप मिलेगा, चले जाइएगा। यहाँ पर एनिमल सफारी होती है, लोग जिराफ देखने जाते हैं, बहुत से जानवर है, क्यों सवाना का क्षेत्र है। अफ्रीका बदल गया कि नहीं बदल गया? ये विषुवतीय अफ्रीका बच्चों, ये विषुवतीय अफ्रीका है जिसके पास में हमारे पास पर्वत भी है, घास भी है, घास क्षेत्र भी है, जानवर भी है। पर्यटन, पर्यटन इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दे सकता है। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, अगर सरकार नहीं है आतंकवाद है तो क्या आप पर्यटन के लिए जाना चाहोगे? अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने नामीबिया के बारे में बताया था, फिल्म उद्योग के लिए नामीबिया का मरुस्थल है, यहाँ पे देखिए जीप जा रही है फिल्म बनाने के लिए। यहाँ सरकारें चाहती हैं कि लोग निवेश करें लेकिन निवेश नहीं आता है। आप लोगों के लिए अफ्रीका क्या है? आप लोगों के लिए अफ्रीका है देश और उसकी राजधानी। और किसी छात्र के लिए क्या बुक बता दो, अफ्रीका पे बुकें अगर मैंने बता दी तो चचा ये दोनों आंखें बाहर आ जाएंगी, परीक्षा कैसे पास करोगे? तो रवांडा बहुत तेजी से विकास हो रहा है, देखिए जहां जहां पश्चिमी लोग अगर कुछ उसको कर सकते हैं तो निश्चित रूप से होगा। मैंने आपसे कहा कि मैं अफ्रीका को लेकर उदासीन नहीं हूं, लेकिन अफ्रीका में चुनौतियां हैं। क्या सभी लोगों को हमेशा के लिए एक अफ्रीका का परिचय मिला या नहीं मिला, अफ्रीका की चुनौतियां मिली या नहीं मिली? अब अगली बार तो नहीं कहोगे काले रोग हैं इसलिए जो है वहां पर अंध महाद्वीप है जी, काला वो है, ठीक है। सर ये यूएसए सबको ज्ञान देता है इसके लिए कुछ नहीं करता, ये बोला यूएसए सबको ज्ञान देता है इसके लिए कोई कुछ नहीं करता। एक बात बताइए, यूएसए क्यों करे, यूएसए को क्यों करना है, अफ्रीका के लिए कोई कुछ क्यों करे? हम भी तो विश्व गुरु हैं, हम क्या कर रहे हैं? सब अपने देश की चुनौतियां पहले देखेंगे कि नहीं देखेंगे? आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के लिए थे? अमेरिका फॉर अमेरिकन्स। और अगर स्थिति को मैं और बिगाड़ना चाहूं बच्चों, तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो महाद्वीप सबसे ज्यादा पिटाई खाने वाला है वो है अफ्रीका। और मैं बता देना चाहता हूं भारत भी इसमें लगा हुआ है, भारत को भी चुनौती है। तो जलवायु परिवर्तन हम पर भी आ रहा है, दुनिया ने जो परिवर्तन किया है जलवायु में उस सब का प्रभाव हम पर आएगा। और महाद्वीपीय दृष्टि से आप देख लीजिए इतना अभागा महाद्वीप है भाई। मेरा पर्सनली जब अफ्रीका की बात होती है, मेरा अफ्रीका इतनी बार जाना हुआ, जब जाता हूं तो दया आती है वहां की दशाओं को देख। कुछ राजनीतिज्ञ होंगे जो पैसा बना रहे हैं, कुछ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होंगे जो पैसा बना रहे हैं, सब अपना पैसा देखते हैं। और इस महाद्वीप का यहाँ के लोगों का केवल दोहन होता है। और हम लोगों के लिए क्या है अफ्रीका? सर कीनिया में चाय होती है, तंजानिया में लौंग होता है, नाइजीरिया में तेल होता है, इजिप्ट सबसे बड़ा तेल प्रसंस्करण का केंद्र है, इजिप्ट में सुएज नहर है, उसकी जो भी अर्थव्यवस्था है उसी पर चलती है। हमें तो यही पता है, पता है कि नहीं? ठीक है, आज ये अफ्रीका है, आज ये अफ्रीका है। इसको मैं उत्तरी अफ्रीका कहता हूँ, इसको मैं सब सहारन अफ्रीका कहता हूँ। आज मैं बच्चों आप लोगों को राजनीतिक मानचित्र नहीं दिखा रहा हूँ, राजनीतिक मैंने कल के लिए रखा है, आज मेरी पहली क्लास है। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? सर वर्ल्ड बैंक से हेल्प होनी चाहिए, विकास होनी चाहिए बेटा, वर्ल्ड बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा, वो भी तो वर्ल्ड ही देगा ना। सर अफ्रीका क्या एक फेडरेशन है? आपको लगता है कि एक फेडरेशन है? किसी ने बैठे बैठे कह दिया फेडरेशन है, महाद्वीप है उस पर बहुत सारे देश हैं बेटा, वो तो देश होता है ना, देश में फेडरेशन होता है। क्या अफ्रीका एक देश है बच्चों? 54 देशों का
एक महाद्वीप है, उसमें कैसे फेडरेशन लगा रहे हो, है ना? तो सभी लोग मेरे साथ, ये अफ्रीका का थोड़ा सा परिचय, ताकि आपके पास वो दोनों क्वेश्चन यूपीएससी के क्वेश्चन लाए। क्यों इसे अंध महाद्वीप कहते हैं, क्या भूमिका देखता है भारत, उसको जानने के लिए तो समझना पड़ेगा अफ्रीका क्या। अभी आप बताइए भारत क्या भूमिका देखता है। भारत एक ईमानदार कोशिश करता है अफ्रीका की मदद की, चाइना उसमें साहूकारी करता है, चाइना पैसा देता है लेकिन उसको नोचेगा वापस, साहूकारी करेगा। इनफैक्ट मैं बताना चाहता हूं, अफ्रीका में जहां जहां चीन ने निवेश किया है, अफ्रीकी मूल के लोगों को वो पसंद नहीं है, लेकिन भारतीयों को बहुत इज्जत से देखते हैं कि हम एक दायित्व के साथ जाएंगे। अगर हम वहां निवेश करेंगे, एक दायित्व के साथ जाएंगे। मोदी जी का मोजाम्बिक जाना हुआ और भारत में अचानक दालों की कीमतें बहुत बढ़ गई थी, मोजाम्बिक में जाकर मोदी जी ने कहा हमारे लिए दाल उगाओगे, क्योंकि दुनिया में इतनी दाल उगती नहीं। जब दाल की शॉर्टेज हुई तो हमने कहा बाहर से जो है आयात कर लेते हैं, देखा दुनिया में कहीं दाल होती ही नहीं है इतनी ज्यादा कि भारत को खिला पाए, तो मोदी जी ने इनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे दी मोजाम्बिक के, यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट की भैया करिए, हमारे देश के लिए करिए, जब दाल की जरूरत होगी हम वैसे भी मंगाएंगे आपसे। तो ये यहां पर इन लोगों के लिए बेहतर होगा या नहीं होगा, तो ऐसी वाली सोच अगर हम रखें तो बहुत कुछ है। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ। तो अब क्या होता है, हमने कुछ आंकड़े रटे हुए हैं कहां से, जैसे लूसेंट की एक गाइड आती है, लूसेंट की गाइड से हम अफ्रीका को जानते हैं। आप अफ्रीका को लूसेंट की गाइड से जानते होंगे, मैं अफ्रीका में जाकर अफ्रीका को जानता हूँ। ये अफ्रीका है, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। मैं दक्षिण अफ्रीका में था और मैं शायद केप टाउन से शायद जोहानिसबर्ग जा रहा था। मैं टैक्सी पर बैठा और उसने मुझसे कहा, सर अगर आपकी टैक्सी को किसी ने कहीं बीच में रोका, अगर आपकी टैक्सी को किसी ने कहीं बीच में रोका और कहा जितने भी पैसे हैं जेब से निकाल दो, दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, जितने पैसे हैं निकाल दो, सर निकाल देना, कुछ पैसों के पीछे जान मत देना। दक्षिण अफ्रीका जो यहाँ का एक बेहतर क्षेत्र माना जाता है, केवल शहरों में है, जोहानिसबर्ग हो गया, डरबन हो गया या फिर केप टाउन हो गया, ये कुछ शहर हैं जिनमें सभ्यता है, बीच में बहुत अराजकता है, बहुत ज्यादा अराजकता है। ठीक है, तो अफ्रीका को ऐसे जानते हैं और इस अफ्रीका पर और चर्चा चलेगी, बट राजनीतिक बाद में करूंगा। आशा है मैंने इसकी आर्थिक, सामाजिक और ये पर्यावरणीय दशाएं भी आपको दिखाई, किस तरह की चुनौतियां अफ्रीका के सामने हैं। ये असल अफ्रीका। आपको क्या लगता है, इजिप्ट में पिरामिड है, बहुत सुंदर होगा, पिरामिड देख कर आइएगा, हनीमून वहीं मनाऊंगा? सुनो, इजिप्ट में गए इतने नियम कानून लगेंगे और इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है वहां पर, बहुत मुश्किल हो जाता है इजिप्ट में। ठीक है, तो कुछ समझ के जाएंगे, ये आसान क्षेत्र नहीं है। चलिए छोड़ते हैं इसको, सभी लोग अपना अपना हेलीकॉप्टर निकालेंगे। सर हेलीकॉप्टर वो क्या होता है, जो हमने उत्तर अमेरिका में किया, दक्षिण अमेरिका में किया, क्या किया बच्चों, यूं समझ लीजिए एक हेलीकॉप्टर लेकर उत्तर अमेरिका के ऊपर से गए, नीचे देखा कहां, पर्वत पठार मैदान देखे या नहीं देखे, देखे थे सर। नाइजीरिया से सर तेल को रिफ्रेश करने के लिए तो कंपनी तो होगी ना, बिल्कुल है, नाइजीरिया में है, नाइजीरिया की भी कंपनी है, बाहर से भी है, शेल कंपनी है, टीके कंपनी है, बहुत बड़ी बड़ी ऑयल मेजर्स हैं, ब्रिटिश पेट्रोलियम भी। बट मैं एक बात बता दूं, अगर आपको तेल निकालना है यूएस में और नाइजीरिया में, तो यूएस में नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते, पेनल्टी हो जाएगी। नाइजीरिया में उल्लंघन करिए, प्रदूषण भी करिए और थोड़ी सी भ्रष्टाचार में रिश्वत दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यही तो विडंबना है विकासशील देश की, कि विकसित देश के उद्योग यहां आके प्रदूषण करते हैं, ऐसी चीजें करते हैं जो उनके देश में प्रतिबंधित है, और हमारे ही संसाधनों के साथ ऐसा करते हैं। ठीक है, सभी लोग हेलीकॉप्टर निकाला या नहीं निकाला? सर मिसिसिपी रिवर में तूफान आए, सर कुछ बताइए इसके बारे में। तो भाई दुनिया में कहीं तूफान आएगा, मैं उसके बारे में क्यों बताऊंगा, मुझे मेरी क्लास लेनी है। अगर अभी इंटरनेट पे खोलूं विश्व में कहां कहां तूफान आ रहा है, तो क्लास तो बंद करनी पड़ेगी कि नहीं। एक छात्र ने मुझसे अचानक क्लास में पूछा कि सर बहुत दिन हो गए चांद नहीं देखा, चांद नहीं दिख रहा है, ऑफलाइन क्लास थी, बोला सर बहुत दिन हो गए चांद नहीं दिख रहा है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया ये सचमुच का चांद कह रहा है या दार्शनिक हो गया है कि बहुत दिन से लड़की नहीं दिखी है जो इसको पसंद है, वो नहीं दिखी, थोड़ा मैं डाउट में आ गया। मैं कौन से चांद की बात कर रहा हूँ बेटा, वो जिसे तुम चांद कहते हो या चांद चांद? बोला सर चांद चांद। अच्छा उसकी बात कर रहा, हाँ तो क्या समस्या है? बोला सर बहुत दिन हो गए चांद नहीं दिखा।
कहा बेटा चांद तो रोज ही आता है, बट दिक्कत यह है आजकल चांद जब आसमान में होता है वो दिन होता है। आपने सुना चांद के भी फेजेस होते हैं, मून के फेजेस। कई बार आपने देखा है दिन में चांद उगता है और रात तक वो ढल जाता है, फिर अमावस की रात होती है। ये कल्पना भी नहीं हमारे पास। मैं कहा बेटा अगर रात में नहीं दिख रहा है ना तो दिन में देख लो, नहीं तो एक और आसान तरीका बताते हैं। आपके गूगल पे आता है मून राइज टाइम, जैसे सूर्योदय होता है ऐसे चंद्रोदय भी होता है, उसका समय निकाल लो। हमको है कितना आ रहा है सर, सुबह 4 बजे होता है, तब तो तुम सो रहे होते हो ना। बोला हाँ सर सो रहा होता, इसलिए तो अगर चंदा मामा से मिलना है तो 4 बजे उठ जाओ, और चंदा रानी से मिलना है तो फिर उनसे बात करो, आजकल क्यों नहीं बात कर रही। ठीक है, हेलीकॉप्टर ले लिया सभी लोगों ने, हम कहाँ जा रहे हैं? अफ्रीका की यात्रा करने। अब कौन सा अफ्रीका? भौतिक अफ्रीका, भौतिक अफ्रीका। तो अफ्रीका बनाना आ गया था, जो लोग नए आए हैं उनके लिए यहाँ पर एक कॉपी को घुमाएंगे। कॉपी 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 कहाँ गई मेरी? कॉपी ऐसे है, घुमा लीजिए कॉपी को, घुमा लीजिए, बीच में एक रेखा डाल लीजिए और जल्दी से काम करते जाएंगे। जल्दी से अफ्रीका का मानचित्र खोल के रखिएगा। कोई बोल रहा है सर टेस्ट, सर अबे करवाने तो दो टेस्ट सर। कुछ लोगों को ऐसा वाला टेस्ट लगा कि सर ये तो चरस है, सर एक पुड़िया देते जाओ, ऐसे थोड़ी होगा। अफ्रीका तो करूंगा, आज पहली बार आपको मानव भूगोल का परिचय दिया है, समझ रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि उत्तर लेखन में दोनों चाहिए होंगे। अभी तक क्या करता था? सिर्फ भौतिक भूगोल करता था। चलिए बीच में एक रेखा, विषुवत रेखा है बच्चों, ये विषुवत रेखा। यहां पर क्या बनाते हैं? एक सी बनाते हैं, एक सी बनाते हैं हम, एक सी। जल्दी से बनाइए और ध्यान से बनाइए बच्चों, इसी पे टेस्ट होने वाला है, आज पूरे नंबर चाहिए। पहला कदम एक सी होता है, उसके बाद इसको हम आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद फिर हम ये एक दाल फ्राई वाला पैन लेकर आते हैं, और फिर कौन सी वाली स्टिक आती है? हॉकी स्टिक बना देते, इस तरह से नीचे आते हैं, एक दो तीन, अफ्रीका बन गया। जल्दी से जल्दी से, अब मुझे कोई चैट नहीं चाहिए, कोई चैट नहीं चाहिए। वो कह रहा है सर इंडस्ट्री नहीं है वहां पे, गन सब कैसे आता है? क्यों भाई, गांव में कट्टा पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता है? ये आधे लोग तो थोड़ा गनमैन टाइप का मेंटेलिटी ना, सर इंडस्ट्री तो है नहीं, बना तो रहा नहीं, कहां से आ रहा होगा? अफगानिस्तान में नहीं पहुंचता गन, बोल रहा है गन कहां से आता है? कुछ लोग वो छोटा मोटा वो बाहुबली टाइप का ना, सर थोड़ा गन वन का बताइए सर, ये सब तो आईएएस तो देखा जाएगा, सब में गन कहां जा रहा है सर, जरा बताइए। ठीक है बच्चों, आप सभी के लिए जल्दी से अब आपका काम शुरू हो रहा है। यहां पर इसके समानांतर एक रेखा खींच देंगे और ऐसे बना देंगे। अब आप लोगों का काम शुरू हो रहा है, एटलस पे काम शुरू हो रहा है। यहां पर आपका द्वीप है तो आपको ढूंढना है, फिर मैं उत्तर दूंगा। एक, ये एक जलसंधि है। दो, ये भी एक जलसंधि है। तीन, ये एक नहर है। जलसंधि, जलसंधि, नहर, उसके बाद सागर, खाड़ी, खाड़ी, ये हो गया, सात हो गया। जल्दी से ढूंढ दीजिए, एक से सात लिखना नहीं है, वहां पे लिखिए। जल्दी से बच्चों जल्दी से। कोई कह रहा है अफ्रीका में सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही? बेटा अफ्रीका एक तो पहली बात तो महाद्वीप है, देशों की सरकार, मैंने कहा ना सरकार ही नहीं कई जगह पर। तो सभी लोग मेरे साथ, तो मैं उत्तर दे रहा हूं। सबसे पहली है, पहला है जिब्राल्टर जलसंधि, जिब्राल्टर स्ट्रेट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमेशा एग्जाम के लिए याद रखो, जिब्राल्टर स्ट्रेट। दो नंबर क्या है? दो नंबर क्या है? बाबल मंडप, बाबल मंडप। सर ये कहाँ देख रहे हैं आप बच्चों? भौतिक मानचित्र अफ्रीका का बताएगा आपको, ये भौतिक मानचित्र अफ्रीका का खोल दिया है। जो भी लोग सिर्फ मैं लिख रहा हूं उसको लिख रहे हैं, आपके कुछ काम नहीं आने वाला। अपना एटलस खोलिए, एकदम से तुरंत लिखते रहिए, तुरंत प्रभाव से लिख दिया जाए। कौन सी नहर है? सुएज की नहर, सुएज नहर, मानव निर्मित नहर।
चार नंबर क्या है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, सभी लोग मेरे साथ। ये सारे जलाशयों का काम करना है, कल भी बताऊंगा इसको, कल भी बताने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद पांच नंबर क्या है? खाड़ी। किसकी खाड़ी? जल्दी से बताइए। गल्फ ऑफ गेब्स लिखा होगा, गेब्स की खाड़ी। और यहां पर क्या है? गिनी, गल्फ ऑफ गिनी, गिनी की खाड़ी। और ये कौन सा चैनल है? ये कौन सा चैनल है? सात नंबर, मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल, चैनल कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं देवनागरी में, चैनल। समझ में आ गया? चलिए ये हो गए। अब इस मानचित्र पर बच्चों जल्दी से आपको, जल्दी से आपको क्या करना है? बहुत अच्छा, सभी लोगों ने सही बताया है। अगर आप ये ढूंढ पाए तो बहुत अच्छी बात है। जितने भी लोग ढूंढ लेंगे ना बच्चों, याद में भी रहेगा। ये जो आप मेरे साथ मेहनत करते हो, बहुत अच्छी मेहनत करते हो। गुस्सा मत करो मुझसे, मुझसे गुस्सा मत करो। ये जो मेहनत करते हो, समझ के साथ याद भी हो जाएगा, समझ के साथ याद भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो चोंचदार चीज बनती है ना, ये जो चोंचदार चीज, इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सींग। इसमें कौन सा देश है? सोमालिया का देश, ठीक है। अच्छा, अब आपको मुझे बताना है एक्स वाई वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये द्वीप हैं, ये द्वीप हैं। एक्स वाई जेड, ए बी, इन द्वीपों के नाम बता दीजिए। यहीं पे लिख देंगे, इसी चित्र पे लिखा करें, एक्स वाई जेड ए बी। बच्चों कुछ चैट मत करिए, गल्फ ऑफ बे में डिफरेंस है सर या एक ही है? हिंदी माध्यम के लिए खाड़ी है, एक ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। गल्फ बे बाइट, गल्फ बे बाइट एक फैमिली का हिस्सा है, बाद में बताऊंगा। और जो हमने आपको वो पीडीएफ डाला है, उसमें सबकी परिभाषा भी, अगर आपको परिभाषा चाहिए तो पीडीएफ मैंने डाला हुआ है, उसको देख सकते हैं, जिसमें आंसर ने वो परिभाषाओं वाला एक संकलन किया हुआ है, उसको यूज करिए। चलिए, तो वाई क्या है जल्दी से बताइए। एक्स तो मेडागास्कर है, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों जल्दी से बताइए, यहां पर क्या है? कौन से द्वीप हैं ये? एक कैनेरी द्वीप है और एक केप वर्डे द्वीप है, ऐसा है कुछ बच्चों? ऐसा है या नहीं है? या मैंने सही लिखा है, ऊपर नीचे गलत किया है? उसके बाद एक्स तो मेडागास्कर है, मेडागास्कर। ए और बी क्या है? मेरे ख्याल से एक इनमें मॉरिशियस होगा, मॉरिशियस, मॉरिशियस, और एक होगा सेशिल्स या कोमोरोस, चेक करो। सेशिल्स द्वीप जो मेडागास्कर के ऊपर भी छोटे छोटे द्वीप हैं, मॉरिशियस द्वीप समूह और सेशिल्स के द्वीप हैं, ये मेडागास्कर हो गया। विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, और यहाँ पे कैनेरी और केप वर्डे। क्या बच्चों ठीक है मेरा? तो बच्चे कह रहे हैं सर ठीक लिखा है आपने, तो अच्छी बात है बच्चों, कैनेरी और वो। अच्छा, कुछ बच्चों को मदेरा भी मिला है, तो बच्चों मदेरा जो है ना, मदेरा यहाँ पे पुर्तगाल के हैं, तो यहाँ पर एक समूह है, इसको मदेरा कहते हैं। अगर आपको मदेरा मिला है तो बहुत अच्छी बात है बच्चे, आपने गलत नहीं किया है। क्रम में है मदेरा, कैनेरी और केप वर्डे, याद रहेंगे, याद रहेगा, ठीक है। और यहां पर हमने क्या किया? ये तो अब होता क्या बच्चों, दो तरीके हैं याद करने के, एक तो बार बार दोहराया जाए, एक तो है बार बार दोहराया जाए। तो बच्चों बोलो मदेरा मदेरा, कैनेरी कैनेरी, केप वर्डे केप वर्डे, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है, उसको ढूंढो और उसको वहां पे लगाओ। तो जब आपका हाथ, आपकी बुद्धि, आपका आंखें, सब कुछ चल रही है ना, वो स्वतः ही आपके पास रजिस्टर हो जाएगा और दूर तक जाएगा, इसलिए कह रहा हूं। अरुण ने कहा सर गल्फ ऑफ गेब है या गल्फ ऑफ सिद्रा है? बेटा यहां पर दो खाड़ियां हैं, पांच और छह, एक गल्फ ऑफ गेब है और एक गल्फ ऑफ सिद्रा है। तो जो भी आपने खाड़ी देख ली, अगर आपको गेब्स की खाड़ी मिली है, जी ए बी ई एस, तो भी ठीक है, और किसी को सिद्रा मिली है तो सिद्रा भी ठीक है। यहां पर है लीबिया, मेरा कई बार लीबिया जाना हुआ, तब हम इसको सिद्रा कहते नहीं थे, तब हम इसे सिरते कहते थे, इसका नाम भी बदल जाता है,
जब मेरा यहाँ जाना होता था तब तो मैं इसे सिरते कहा करता था, तो मैं भाई आज तक इसे सिरते ही कहता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए गेब्स और सिद्रा है, तो उस सब की आप चिंता मत करिए। ठीक है, मोजाम्बिक चैनल के नाम मेडागास्कर पर क्यों नहीं है बताइए? तो अब गलती हो गई यार, वो लोग मोजाम्बिक चैनल लिख दिया, मेडागास्कर वाले कुछ बोल नहीं पाए, अब आंदोलन करते हैं, करें आंदोलन? मतलब ये भी ऐसे पुरुषवाचक संज्ञा पे मुझसे लड़ जाते हैं। एक ने कहा कि सर ये वाले देश जो हैं ये स्थल से घिरे हुए देश है, स्थलबद्ध। सर यही देश क्यों स्थलबद्ध है? अरे भाई यही देश बीच में इसलिए स्थलबद्ध है, आप यूं समझिए कि आप ट्रेन में हो, आप ट्रेन में, कुछ लोग ट्रेन के दरवाजे पे खड़े हैं, कुछ लोग बीच में फंसे हुए हैं। यही लोग बीच में क्यों फंसे हुए हैं? इनकी किस्मत खराब थी क्या? अरे भाई कोई ना कोई देश तो बीच में भी होगा, वो देश स्थलबद्ध कहलाएंगे। तो एक ने प्रश्न पूछा, सर बोलीविया और पेरागुए ही क्यों स्थलबद्ध है? भाई देखने से पता चलता है, ऐसे वाले सवाल पूछ लेते हो। सर इसका नाम मोजाम्बिक क्यों रखा, फिर जो है इसका नाम मेडागास्कर चैनल क्यों नहीं रखा? नहीं, इसका नाम अफ्रीका चैनल भी रख सकते थे, और यहीं पे तो जेंजीबार है, फिर जेंजीबार भी रख सकते थे। लोगों को सोचिए लेफ्ट ब्रेन में डाउट कैसा होता है कि सर आपका नाम सचिन ही क्यों है, तो कोई और अच्छा नाम नहीं था कि आपके माँ बाप के पास? भाई जो उनको आया तो रख दिया यार, अब मैं उनसे कभी बात ही नहीं किया, इस पे लड़ाई हुई नहीं, मेरे दिमाग में सवाल नहीं आया। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया? तो केप वर्डे ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, कौन से भौतिक मानचित्र पे मिल रहा है, सभी लोगों को मिल गए कि नहीं है? हाँ या ना बोल दीजिए बस, अगर हाँ हो गया तो इसका मतलब आपको मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, जो नहीं मिला केप वर्डे जैसे अभी नहीं मिला कुछ लोगों को, क्लास के बाद एक विश्व मानचित्र में देख लेंगे, देख के अपना पूरा कर लें, यहां तक ठीक? अब बच्चों मुझे क्या चाहिए, मुझे दो चीजें चाहिए, मकर रेखा और कर्क रेखा। मकर रेखा और कर्क रेखा जल्दी से बताइए, कर्क रेखा क्या सी को काट रही है, ये हॉकी स्टिक को काट रही है, ये कर्क है, जल्दी से कर्क डाल दीजिए बच्चों, जल्दी से कर्क डाल दिया। और लगभग मेडागास्कर को इक्वेटर से विषुवत रेखा से उतनी दूरी पर मकर भी होगी, क्या आपने कर्क और मकर डाल दिया? मकर और कर्क, ये बन गया आपका अफ्रीका। ये वाला आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, सभी लोगों ने ध्यान दीजिएगा, मैंने एक नई चीज की है आप लोगों के लिए। बहुत से छात्रों को ऐसा लगता है क्लास में समझ आ रहा है लेकिन घर में याद रहेगा कि नहीं, यही चीज पुनः यहां बना देंगे क्लास के बाद, एटलस खोलकर जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे डालिएगा। एक मैंने शुरू कर दिया, एक आप कर लीजिएगा। कल हम राजनीतिक मानचित्र भी करेंगे जिसमें हम देश और राजधानियां भी करेंगे, जो लोग देश और राजधानियों से बहुत मोहब्बत करते हैं उनके लिए। ठीक है, चलिए अब एक फ्रेश पेज ले लेंगे जल्दी से, अब हेलीकॉप्टर लेके चलना है, हेलीकॉप्टर लेके चलना है जल्दी से, अब कॉपी घुमाएंगे नहीं। एक बड़ा अफ्रीका बनाना है, पूरे पेज का अफ्रीका, बच्चों एक पूरे पेज का अफ्रीका बनाना है, जल्दी से बनाएंगे पूरे पेज का अफ्रीका। इसको बढ़ाया, यहां पे फ्राइंग पैन रखा, यहां पे हॉकी स्टिक रखी, नीचे ले आए। ठीक है, आ गए सभी लोग? सर सब मिल गया, बहुत अच्छी बात है बच्चों, मैंने आपको होमवर्क दिया कि घर जाके भी करेंगे ना, एटलस खोल लेंगे। अभी कई बार क्या होता है क्लास में सर तेजी से करा रहे, मैं नहीं पकड़ पाया, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये हमने दोनों बना दिए, दोनों गोलार्ध बना दिए, सभी लोग मेरे साथ। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, स्थल मंडल देखते हैं अपने हेलीकॉप्टर से। अपने हेलीकॉप्टर में हम सबसे पहले क्या ढूंढने जाते हैं, किसी भी उस पर अगर मैं हेलीकॉप्टर लेकर अफ्रीका पे उड़ता हूं तो मुझे पर्वत दिखने चाहिए, जल्दी से बताइए पर्वत कहाँ है, पर्वत कहाँ है, पर्वत श्रृंखलाएं भौतिक मानचित्र पर। आशीष कह रहे दाब पेटियां कंप्लीट करवा दीजिए, आशीष जब ये हो जाएगा उसके बाद बेटा, पहले ये करने दीजिए मुझे। कोई कह रहा सर मुझे अब मिल गया, बेटा थोड़ा समय लग रहा है, मैं जान रहा हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो एटलस बहुत ज्यादा नहीं देखते, अब इस पे ध्यान दीजिए, जल्दी से मुझे मेरे पर्वत बताइए कहां पर है, पर्वत के नाम होंगे बच्चों, नाम होंगे नाम, ईस्ट वेस्ट मत बताइए मुझे, नाम बताइए, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला। और अपने नोट्स भी लिखेंगे, नोट्स में क्या लिखेंगे,
अफ्रीका उच्च भूमि, इसमें पर्वत श्रृंखला वह चोटी। ठीक है, पहली पर्वत श्रृंखला है, पहली पर्वत श्रृंखला है एटलस, एटलस माउंटेन्स। सभी लोगों को दिखाई दे रहा है एटलस, एटलस ढूंढा या नहीं ढूंढा, एटलस ढूंढा, कहां पर है एटलस, सभी लोग जरा जल्दी से देखिए एटलस यहां पर है या नहीं है, एटलस यहां पर है। अमन कुमार कह रहे हैं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप सोचिए इसमें समझाया क्या मैंने, मैंने कुछ समझाया? ये अमन कुमार और जितने भी छात्र आज पहली बार क्लास में आए आपसे अनुरोध है पहली क्लास से देखें, जब टीचर कुछ समझा ही नहीं रहा है, टीचर कह रहा है एटलस में देखो, कह रहा है समझ नहीं आ रहा। भाई समझाएंगे तो समझेगा, आंखों का टेस्ट है, आंखों का, किडनी गुर्दा मत लगा। ये वो वाले हैं जो भैया आज भी उसी में फंसे हुए हैं कि समझ नहीं आ रहा, और जब डिक्टेशन देंगे वो होगा एटलस समझ में आया, ओनली एटलस खत्म, सिर्फ एटलस, सिर्फ एटलस श्रृंखला है, केवल एक ही श्रृंखला है, खत्म खत्म। सभी बच्चे एटलस केवल एक ही श्रृंखला है। बच्चों एटलस मिला या नहीं मिला? अभी भी कह रहा है सर समझ नहीं आया। अरे यार यहां पे देख तो, और हो सकता है इसके पास एटलस भी ना हो बेटा, वो जो मैगजीन खोले हुए हो ना, जो फोटो देख रहे हो तो हटाओ एटलस, एटलस। और जितने लोग दक्षिण अमेरिका खोल के बैठे हो बेटा, वो गलत मानचित्र है, दक्षिण अमेरिका बंद करो, दिखने में ऐसा ही लगता है। अफ्रीका खोलो कंटेंट पे जाकर, एटलस मिल गया। चलिए अभी सब लोग रुक जाएंगे। इस महाद्वीप पर केवल एक पर्वत श्रेणी है, केवल एक पर्वत श्रेणी है। सर हमें तो और भी दिख रहे हैं, और भी दिख रहे हैं आपको, और भी दिख रहे हैं, तो कितने लोगों को यहां पर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? यहां पर लिखा होगा ड्रेकनबर्ग, ड्रेकन्सबर्ग लिखा है, लिखा है नहीं लिखा है? ड्रेकन्सबर्ग लिखा है। यहां पर क्या लिखा है जो तीन है? यहां लिखा होगा ए बी सी, ए में लिखा होगा अहगार, बी में लिखा होगा तिबिस्ती, और सी में लिखा होगा दारफूर। कितने लोगों को मिला है अहगार, तिबिस्ती, दारफूर? कितने लोगों को यहां पर मिला मिटुम्बा, मिटुम्बा मुचिंगा, मिला या नहीं मिला? ए बी सी डी ई डी, मिटुम्बा ई, मुचिंगा, लिख लो जल्दी से, लिख लिया, और एफ ड्रेकन्सबर्ग। मिला या नहीं मिला? मिला, लिखे हुए। ये कौन सा मैप देख रहे हो? अफ्रीका का भौतिक मानचित्र देख रहे हो? यहां तक हैं सभी लोग? अब ध्यान दीजिए, लिख लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, यहां पे लिस्ट बनाइए इसको। उच्च भूमि में यहां पे लिखेंगे पठार, पठार में क्या लिखेंगे? अहगार, हिंदी में लिख दूं अहगार, वहां अंग्रेजी में लिखा है तिबिस्ती, तिबिस्ती दारफूर, मिटुम्बा, मुचिंगा, मिटुम्बा, मुचिंगा, और क्या लिखा? ड्रेकन्सबर्ग। सभी लोगों के नोट्स भी बन गए। ये क्या है? पर्वत श्रृंखला, केवल एक पर्वत श्रृंखला है, केवल एक पर्वत श्रृंखला। पर्वत चोटी भी लिख लेता हूं फिर दिखाऊंगा, पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी,
सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अभी आपको दिखाई थी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी। अरे सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी, जल्दी से बताओ। किली मंजारो। उसके बाद माउंट कीनिया, माउंट किली मंजारो, माउंट कीनिया। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ जल्दी से ये लिखेंगे पहले, फिर वापस ले चलता हूं मानचित्र में। हो गया, ये सब लिख लिया सभी लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। अब मैं वापस इस पर आता हूं। अब ये है खान सर की एटलस, आंसर वाली एटलस। बच्चों दिखाई दे रहे हैं, ये ब्राउन खंड, यहां पर लिखा हुआ है अहगार। उसके बाद जब मैं आगे आता हूं, उसके बाद आता है तिबिस्ती, दिखा रहा हूं उंगली से दिखा रहा हूं, और फिर ये दारफूर है। क्या बेईमानी कर रहे हो कि सर हमें कुछ नहीं मिल रहा। अफ्रीका का भौतिक मानचित्र इतने बड़े ब्राउन कलर के प्लेटू हैं, अहगार, तिबिस्ती, दारफूर। अगर आप नहीं जानते हो तो वहां चित्र में भी देख लीजिए, एबीसी। क्या बेईमानी है ये, और बड़ी बड़ी बात करते हो कि आईएएस बनेंगे, जो होगा वो कर देंगे। अब ये दूसरी एटलस है, कोई और एटलस। इसमें भी ये देखिए, बिल्कुल वहीं पर ए बी, ए बी और सी, ब्राउन कलर का बना हुआ है। इसका निचला हिस्सा ब्राउन है, यहां पर ब्राउन है, फिजिकल भौतिक मानचित्र। अब ये बताइए कैसी बेईमानी है ये, तभी लोग देख पा रहे हैं। आपके सामने मैंने कर दिया ए बी और सी, सिर्फ रंग से दिखा रहा हूं। खान सर की एटलस भी है और ये भी है, कोई भी देखकर बता देगा वहां पर तीन धब्बे दिखाई दे रहे हैं। क्या बेईमानी कर रहे हो, क्यों बेईमानी कर रहे हो। एक बेईमान कह रहा है कि सर समझ नहीं आ रहा, उसके पास एटलस नहीं होगी। दूसरा कह रहा है मुझे मिल नहीं पा रहा है। क्या बेईमानी कर रहे हो, गलत बात है कि नहीं, गलत बात है कि नहीं। ब्राउन एरिया प्लेटू में दिख जाएगा, इसलिए दोनों एटलस दिखा दी, क्योंकि घर जाके कभी एटलस खोली नहीं। क्लास में क्या रटना है, देश राजधानी, देश राजधानी, देश राजधानी। उसके बाद सचिन सर मेरे आंसर चेक कर दोगे, पगला गए हो। इसलिए एक ऐसा छात्र जो सच में पूरी मेहनत करके पास होने वाला है, उसके लिए टीचर दिन रात एक कर दे, तुम एक एटलस से आंख से तीन चीज नहीं देख पा रहे हो। क्या बेईमानी है भाई, मत करो यार, क्यों कर रहे हो। एबीसी मिल गया, और शिक्षक ने यहां लिख दिया अहगार, तिब्बती, दारफूर। इंग्लिश में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा। सर समझ नहीं आ रहा है, ये कौन है, आप समझ रहे हैं। ये वही है कि मेरी तरह से डिक्टेशन दो, पहले आओ बच्चों अहगार लिखें। नहीं करना है भाई, क्यों करना है, समझ रहे हैं। पठार। अब सवाल, काम के सवाल, काम के सवाल। पहली बात, इसमें एक ही पर्वत है तो, लेकिन हमें तो बहुत सारे पर्वत दिख रहे हैं। आप लोगों को बहुत सारे पर्वत दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं, सभी लोग मुझे बताएंगे अपनी एटलस का, केवल रंग देखकर बताएंगे। बेईमानी वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लड़के लड़कियां दोनों है इसमें, आपके कमेंट दोनों आ जाते। कहीं ये सोच रहे हो लड़के कह रहे हैं, लड़कियां कर रही हैं, लड़के लड़कियां दोनों है, मुन्ना मत बनो। बिल्कुल यहां पर आपको दिख रहा है ब्राउन हिस्सा, ये एटलस है, ये यहाँ पे लिखा हुआ एटलस, आपके टीचर ने बना दिया एटलस। उसके बाद बच्चों ये जो आपको ब्राउन दिख रहे हैं, और नीचे जहां मेरा हाथ आ जाता है, अगर मैं हाथ हटाता हूं तो ये सारा हिस्सा ब्राउन है, नीचे का सारा हिस्सा ब्राउन है कि नहीं। ब्राउन क्या दिखाता है, ये उठा हुआ हिस्सा है। तो सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये नीचे का हिस्सा, ये पूरा का पूरा हिस्सा यहां तक एक पठार है। ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है बच्चों, पठार है, इसीलिए ब्राउन कलर है। पठार को अगर मुझे त्रिविमितीय यानी थ्री डायमेंशन में दिखाना हो, तो क्या बच्चों मैं ऐसा दिखा सकता हूं।
अभी ये वो लोग हैं जो अपना ये ड्राइंग भी नहीं बनाते हैं, क्योंकि मैं तो ज्योग्राफी सीखने हूं, मैं ड्राइंग क्यों करूंगा भाई, इसी से आएगी। अभी उत्तर लेखन भी सिखाऊंगा तब भी करना होगा, तब भी ये बनेंगे। समझ में आ गया सबको? अब समझ में आया कि ये मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 3D, तो मेरे लिए तो आसान हो गया सारा। पठार है, और ये पठार का सिरा है, ये पठार का सिरा है, ड्रेकन्सबर्ग है। और इधर अगर पठार का इस तरफ सिरा होगा, सोचिए, तो उधर भी तो सिरा होगा ना। अगर उठा हुआ क्षेत्र है तो उधर भी सिरा होगा। तो वहां के जब जनजातीय लोगों ने इस पर्वत को देखा तो बोले, मिटुम्बा मिटुम्बा, मुचिंगा मुचिंगा मुचिंगा, दिख रहा है वहां पे मिटुम्बा मुचिंगा। तो ये मिटुम्बा मुचिंगा क्या है? जनजातीय लोगों ने वहां पे जो पठार की जो ढाल आई होगी, वो जो उच्च भूमि है, उनको तो ऐसे दीवार दिखी होगी, तो उन्होंने उसका नाम मिटुम्बा मुचिंगा रख दिया। और अगर आपको याद है वास्को डगामा, वास्को डगामा जो भारत आए, भारत आए इस रास्ते से, ठीक है, यूरोप से भारत आए, वास्को डगामा ने जब इधर देखा होगा तो सोचिए, वास्को डगामा को एक दीवार दिखी होगी कि नहीं? समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा कल्पना करिए, वास्को डगामा यहां से जा रहे हैं, और यहां पर क्या है? अफ्रीका का दक्षिणी तट। तो वो आसान तट नहीं है, वो दीवार है। क्यों? क्योंकि पठार की दीवार है। पठार क्या होता है? एक तरह का स्क्वायर ही तो होता है। एक फ्लैट भूमि पर अगर मैं ये दवाई का डब्बा रख दूं तो ये एक पठार है। अगर पठार होगा तो इसका ये भी सिरा होगा, ये भी सिरा होगा, चारों तरफ होगा। अगर यहां पर एक चींटी है तो चींटी को तो दीवार लगेगी कि नहीं? तो जब यहां से गए होंगे वास्को डगामा, तो उनको ये दीवार दिखी होगी। कौन से रंग की दीवार है? तो जब मेरा यहाँ पे जाना हुआ इस क्षेत्र में, जब मैं जहाज से यहाँ पे देखता हूँ, तो एकदम काले रंग की दीवार है। यहाँ बहुत तेज पछुआ पवने बहती हैं, जहाजों के लिए बहुत खतरनाक होता है। यहाँ पे चट्टाने हैं जिनमें जहाज फंस के टूट सकते हैं। ये है ड्रेकन्सबर्ग, याद रहेगा। इस एज को, इस सिरे का नाम है ड्रेकन्सबर्ग, और इस तरफ के सिरे का नाम क्या है? मिटुम्बा मिटुम्बा, मुचिंगा मुचिंगा। एक बार बोल के देखिएगा, जुबान पे नहीं आएगा ये, मैं प्रैक्टिस करके आता हूँ। मिटुम्बा मुचिंगा, मिटुम्बा मुचिंगा, मिटुम्बा मुचिंगा, आपकी जुबान लड़खड़ाने लगेगी, यहाँ पे लहरा जाएगी। और ट्राइबल लोगों में, मैं इसको पढ़ रहा था तो उसमें बताया जाता है कि ये जो है ढोल की आवाज है। मुझे समझ में नहीं आया ढोल में मिटुम्बा कैसे बजेगा, ढोल में तो ढमढम बजता है। तो उनका ऐसा ढोल है उनके पास, ऐसे यंत्र है कि उसे बजाएंगे तो उसमें एक आवाज आएगी, मिटुम्बा मुचिंगा मिटुम्बा मुचिंगा। ठीक है, एबीसी भी मिल गया। और यहां तो हमने कुछ ढूंढा ही नहीं, हमने इस पूरे के पूरे क्षेत्र को क्या घोषित कर दिया बच्चों? इस पूरे के पूरे क्षेत्र को क्या घोषित कर दिया? पठार। अब मुझे चिंता ही नहीं याद करने की, अब मुझे याद ही नहीं करना। मिटुम्बा मेरे काम का है, मुचिंगा मेरे परीक्षा के काम का है, ड्रेकन्सबर्ग मेरे काम का है, अहगार तिबिस्ती डारफूर, बस इतने मेरे काम के हैं, बाकी मेरा काम बन गया। समझ में आ गया सभी लोगों को? मैंने आपको क्या करवा दिया? हेलीकॉप्टर में क्या देख लिया हमने? लेकिन अगर आप ये लिख नहीं रहे हैं, और आप एटलस में देख नहीं रहे हैं, और अगर आप एटलस में बेईमानी कर रहे हैं, आपकी 6ठी 7वीं क्लास है, और अगर आपको एटलस के रंग भी अभी नहीं देखने आए, आप देखेंगे महाद्वीप मुख्यतः पीला या भूरा है। जल्दी से देख के बताइए, पीला या भूरा है कि नहीं? हरा इसमें बहुत कम है। मैंने आपको बताया था केवल 10% भूमि मैदानी है, बाकी सब उठा हुआ है। तो पीला और भूरे का मतलब या तो उठा हुआ क्षेत्र है या फिर वो। यहीं पर हमारे पास आ जाती है तंजानिया में, तंजानिया में इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, क्या नाम है उसका? इली मंजारो। और उसके बाद क्या है? कीनिया भी है, कीनिया भी है, माउंट कीनिया, कीनिया और किली मंजारो। जल्दी से देखेंगे कीनिया और किली मंजारो, इसी में दिख जाएगा, एक छोटा सा ट्रायंगल बना होगा। जल्दी से देखिए, विषुवत रेखा के पास जाइए, विषुवत रेखा के पास जाइए, कीनिया लगभग विषुवत रेखा पर, किली मंजारो जस्ट उसके नीचे। मिली या नहीं मिली? कीनिया इस पर है, विषुवत रेखा पर है, और किलिमंजारो उसके नीचे है। माउंट किनिया और किलिमंजारो कैसी हैं? ज्वालामुखी से बनी है, ठीक है? ये किससे बनी है? ज्वालामुखी से बनी है। सभी लोग मेरे साथ। और यहां पर एटलस का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसका नाम क्या है? जल्दी से बता दीजिए, एटलस की सबसे ऊंची चोटी। कुछ लोग उसका नाम ले रहे थे तुबकल कह के, चेक करिए, एटलस वाले क्षेत्र में जाइए और वहां पे देखिए, कोई ट्रायंगल बना हुआ है और वहां लिखा होगा तुबकल, 4 किलोमीटर ऊंचा है तुबकल। तो ये क्या हो गया? 3 नंबर, तुबकल 3 नंबर क्या हो गया?
अब मुझे बताएं कितने छात्र जो भी मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, मैंने 3 नंबर जो लोग नहीं लिख पाए, तुबकल, ये एटलस का सबसे ऊंचा पर्वत, एटलस का सबसे ऊंची चोटी, लेकिन अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किली मंजारो, जो मैंने आपको चित्र में भी दिखाई थी, लगभग 5 किलोमीटर ऊंची, लगभग 5 किलोमीटर ऊंची। और उसके बाद है माउंट कीनिया। कीनिया में वो जो जिराफ आप देख रहे थे, वो कीनिया के आसपास, कीनिया में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सफारी होते हैं। सभी लोग मेरे साथ हैं, सभी लोग मेरे साथ हैं। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये चित्र देख पाए, अगर ये चित्र देख पाए तो क्या आप क्लियर हैं कि पठार इतने और एक ही पर्वत है? हमने उत्तर अमेरिका किया, दक्षिण अमेरिका किया, उन दोनों में पूरे पश्चिमी तट पे पर्वत होते थे। क्या इस महाद्वीप पर है? क्या इस महाद्वीप पर पूरे पश्चिमी तट पर पर्वत हैं? नहीं, तो कोई नियम नहीं है। किसी छात्र ने कहा कि महाद्वीपों के पश्चिम में पर्वत होते हैं, हर जगह नहीं होते, और छोटे से हिस्से में, केवल इतने हिस्से में, समझ में आया? और यहां पर आ गया हमारा कौन सी रेखा? ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा के आसपास मरुस्थल होते हैं। तो ये सारा क्या है? बाकी सारा मरुस्थल है। तो ये मरुस्थल है, तो मरुस्थल में क्या नाम है बच्चों? एक, दो और तीन, मरुस्थल लिख दूं तो ये क्या हुआ? तीसरा क्या है? ये मैदान में मेरे पास क्या है? मरुस्थल। 1 नंबर क्या है? सहारा का मरुस्थल। 2 नंबर क्या है? लीबिया का मरुस्थल, लीबियन। और तीसरा जो कि इजिप्ट में है, इसका नाम क्या है? नूबियन, और वेस्टर्न डेजर्ट भी बोलते हैं। आप केवल 3 नाम लेंगे, ठीक है? सहारा, लिबियन और नूबियन। अब मुझे चाहिए कितने छात्र मुझे इस मरुस्थल का नाम बताएंगे जो कि हमारी कौन सी रेखा पर है? मकर रेखा के आसपास है। इन दोनों का क्या नाम है? ये हो गया 4 और 5। जल्दी से बताइए, 4 और 5, 4 और 5। बिट्टू को दिक्कत है, नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बिट्टू बेटा, जब नदियां पढ़ाएंगे तब बता देंगे। अभी नील के उद्गम के लिए आपको 2 नील पता होने चाहिए, एक सफेद नील है और एक नीली नील है, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल, दोनों का उद्गम अलग है। तो मजा लेना बंद करो बिट्टू बेटा, ये बना लो। नील के उद्गम 2 जगह से होते हैं, एक टाना झील से होता है, एक विक्टोरिया से होता है। टाइम पास मत करो, पहले ये कर लो। 4 नंबर कौन सा है बच्चों? 4 नंबर नामिब का मरुस्थल, नामिब मरुस्थल। और 5 नंबर कौन सा है? काला हारी मरुस्थल। किसी छात्र ने एक डाउट पूछा था कि सर, अमेजन नदी में तो वन है विषुवत रेखा में, तो अफ्रीका में क्यों नहीं है? तो क्या अफ्रीका में वन है बच्चों? बिल्कुल है। ये कौन सी नदी है? ये कांगो नदी है। कांगो नदी की कांगो घाटी है, और इस घाटी में वन है। कौन से वन है? विषुवतीय वन है। किसी ने कहा सर अमेजन में है, यहां क्यों नहीं अफ्रीका में? अफ्रीका में भी है, कांगो वन। कांगो नदी याद रहेगी, याद रहेगी। सभी लोग मेरे साथ। हेलीकॉप्टर से हमने क्या देखा? हेलीकॉप्टर से हमने पर्वत देखे, वहां पर कोने में पठार देखे, और जंगल भी देख लिए। जंगल और मरुस्थल के बीच में, मरुस्थल क्या होता है बच्चों? मरुस्थल क्या होता है बच्चों? शुष्क होता है। मरुस्थल शुष्क होता है, यहाँ पानी की कमी होती है, और जो विषुवतीय रेखा होता है वहां बहुत ज्यादा पानी होता है। तो ये क्या होता है? आर्द्र होता है। आर्द्र और शुष्क के बीच में, आर्द्र और शुष्क के बीच में जो क्षेत्र होगा, ना तो वो पूर्ण रूप से आर्द्र होगा, ना बहुत ज्यादा शुष्क होगा, इसको क्या कहते हैं? अर्ध शुष्क। समझ में आया सभी लोगों को? नहीं आया तो भी कल इस पे बात करेंगे। और यहां पर क्या होती है? घास। यहां पर घास होती है, और इस घास को कौन सा नाम दिया जाता है? सवाना घास के मैदान। तो बच्चों क्या समझ में आया? कांगो वन, कांगो के वन, उसके बाद घास के मैदान जिसे सवाना कहते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर क्या है? मरुस्थल। मरुस्थल
दक्षिण में आए तो दक्षिण में क्या होगा, फिर से ही वन, और यहां पर क्या होगा, सवाना घास, और उसके नीचे आऊंगा तो मरुस्थल। बना लिया चित्र? बिल्कुल 8 बज गए, मैं बिल्कुल बंद कर रहा हूं। अफ्रीका का पहले आज मैंने मानव भूगोल सिखाया आपको, ताकि आप अफ्रीका का परिचय देख सके, अफ्रीका का राजनैतिक सांस्कृतिक, वहां का जनजातीय बनावट कैसी है, और उसके बाद इसकी ये बनावट कैसी है। स्थल आकृति क्लियर हुई या नहीं हुई? स्थल आकृति क्लियर हुई। उसके अलावा हमने अफ्रीका के बाहर के जितने जलाशय हैं उन पर भी काम किया। जैसे हमने देखा यहाँ पे लाल सागर, भूमध्य सागर, गेब्स की खाड़ी, और इसमें क्या किया हमने, जिब्राल्टर, ये गिनी की खाड़ी, यहाँ पर हमने क्या देखा, मोजाम्बिक चैनल, ऐसा देखा हम लोगों ने। इसके अक्षांश और देशांतर जो है, इतना फैलाव है, वो भी हमने अपने नोट्स में देख लिया। यहाँ का मानव भूगोल कैसा है वो भी कर लिया हमने। एक मैंने आप सभी को होमवर्क दिया है, ये होमवर्क कंप्लीट करेंगे। इसमें एक विशेष चीज डालना चाहता हूं सभी लोग, जो लोग देश और राजधानियां रट चुके हैं, तो आपके लिए उत्तर होमवर्क है, इस पे ध्यान देंगे, प्लीज करिएगा मैप के साथ। भूमध्य सागर को छूने वाले देश, भूमध्य सागर तटीय देश, जो भूमध्य सागर को छू रहे हैं, उसके बाद रेड सी, लाल सागर तटीय देश करके आएंगे। देशों की सूची बनानी, कितने देश लाल सागर को छू रहे हैं और कितने देश भूमध्य सागर को छू रहे हैं, कौन से, अफ्रीकी देश। अफ्रीकी देश सारी दुनिया के नहीं चाहिए, समझ में आ गया? ठीक है, टेस्ट कब होगा? टेस्ट कल क्लास के प्रारंभ में ले सकते हैं, क्लास के प्रारंभ में टेस्ट ले लें। ठीक है, तैयार है? कल पूरे नंबर चाहिए, अब मैं निकल गया उससे, मुझे अधूरे नंबर नहीं चाहिए। आपको समय दे रहा हूं, और मैं किसी भी प्रकार की ऐसी बात को नहीं मानने वाला, आंसर की एटलस हो चाहे कोई भी एटलस हो, जिसमें ये दिया हुआ है ए बी सी मैंने बना रखा है और आप कह रहे हैं नहीं मिल रहा है, तो यहां पे कौन बेईमानी कर रहा है ये क्लियर हो जाता है। मत करिए इसको, अपनी एटलस को समय दे दीजिए। ठीक है, जितना समय देंगे उतना आएगा, और आशा है आपके लिए अफ्रीका के लिए थोड़ी संवेदनाएं बढ़ी होंगी। अफ्रीका, इस महाद्वीप को हम कैसे समझ सकते हैं और इसके उत्तर कैसे लिख सकते हैं, ताकि इसका प्रारंभिक भी हो जाए और इसका मेंस भी हो जाए, ये काम हमें करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्लास इसी पे एंड कर रहा हूँ, आज टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, टेस्ट शुरुआत में होगा। जैसे जैसे क्लास सीनियर होती जाएगी मेरी अपेक्षाएं आपसे और बढ़ेंगी, आप भी मुझसे अपेक्षा बढ़ा के रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद।